हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब in आपको बताना है रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन की वजह से क्या हो रहा है प्राइस जो है वो इंडिया के बढ़ गए किस चीज के ऑयल प्राइस जो है वो इंडिया में बढ़ गए हैं हमें पता है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है ओके ओके अंकित रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उससे क्या हो गया हमारे कंट्रीज के अंदर क्या बढ़ गया ऑयल के जो प्राइसेज हैं प्राइसे वो बढ़ गए तो आपको बताना है ये कौन से वाला पेस्टल का मॉडल है पेस्टल के अंदर से कौन से वाला स्पेसिफिक मॉडल है मैम एक हेल्प कर दो आप मैम मैं बिहार बोर्ड से हूँ ट्वेल्थ की डोमेन इस बार जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम सब ने नहीं पढ़े तो क्या करूँ मतलब डोमेन्स uh, आपके डोमेन्स के हिसाब से ही तो क्वेश्चन आएंगे किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा सिलेबस तो आप लोगों का ही है ओके गुड आफ्टरनून चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करेंगे ये कौन से वाला है कौन से वाला मॉडल है पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल या फिर लीगल जल्दी से आंसर करेंगे ओके जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्वेश्चन देख रहे हैं आपको यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है पेस्टल के अंदर से ऑयल प्राइसेस जो है इंडिया के वो बढ़ गए तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा इकोनॉमिक के अंदर आएगा इकोलॉजिकल के के अंदर 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 आएगा 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 या फिर लीगल के अंदर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी राइट right, ये किसके इकोनॉमिक के अंदर आएगा पॉलिटिकल के अंदर नहीं आएगा पॉलिटिकल के अंदर क्या आती है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है वो वॉर की वजह से क्या हो रहा है ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहा है तो ये किसके अंदर आएगा इकोनॉमिक के अंदर आएगा वेरी गुड वेरी गुड अनमोल वेरी गुड अनमोल गुड़िया राइट वेरी गुड वेरी गुड आकाश अकाउंट्स करेंगे आपकी दोबारा से स्टार्ट करेंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कोई बात नहीं केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी ओके okay, हनी कोई बात नहीं वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी अकाउंट्स करवाएंगे आकाश दोबारा से स्टार्ट करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे आप सभी identify which of the following is not a source of the ability to perceive and preserve basic ideas आपको बताना है कौन से वाली चीज इसमें क्या है सोर्स नहीं है नॉट पूछा है कौन से वाली सोर्स नहीं है ऑफ द एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज को परसीव या प्रिजर्व करने के लिए इनमें से कौन से वाला सोर्स नहीं है उसका आंसर करेंगे जल्दी-जल्दी बताओ प्रॉब्लम चेंज इनोवेशन या फिर विजन इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर करेंगे मैम आपका नाम क्या है ईशू माई नेम इज सपना ओके आकाश ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे जल्दी इनमें से कौन से वाली चीज है और प्रिजर्व प्रिजर्व टू बेसिक आइडियाज के अंदर नहीं आती है सोर्स नहीं है जल्दी से बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड अनमोल गेमिंग जोन गीता नो गीता इट्स नॉट ए इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी दैट इज विजन टू प्रिजर्व एंड परसीव बेसिक आइडियाज के अंदर प्रॉब्लम भी आती है इनोवेशन भी आता है चेंज भी आता है क्या चीज नहीं आती है विजन नहीं आता है क्या नहीं आता है विजन नहीं आता है वेरी गुड एवरी वन नो पमी बी आएगा बच्चा चेंज भी है इनोवेशन भी है प्रॉब्लम भी है कौन से वाला नहीं है विजन नहीं आता है वेरी गुड वेरी गुड जिन स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट दिया है वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करेंगे अब सभी इफ़ यू डोंट adapt, यू डोंट endure. आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताना है, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या कोर आइडिया है इफ़ यू डोंट adapt, यू डोंट endure. अगर आप किसी चीज़ के अंदर खुद को अडाप्ट नहीं कर सकते एन्वायरमेंट के हिसाब से तो आप एंड्योर का मतलब क्या है कंटिन्यू तो आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आप खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते ओके okay? इट इज द कोर आइडिया बिहाइंड आपको बताना ये जो लाइन लिखी हुई है इसका आइडिया क्या है इसके पीछे जल्दी से बताओ एनवायरमेंट स्कैनिंग सेंसिंग अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी ऑफ फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मुस्कान इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट

अच्छा आप लोग देखो जो स्टूडेंट्स जिनको आदत नहीं है आप लोगों को क्या करना है जब आपके पास आर वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है आपको बट क्या देखना है पहले क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन क्या है हमारे पास आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई विच इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट है कि इस एग्जाम्पल के अंदर कौन से वाला एनवायरमेंट के बारे में बात की गई है अब हमें बिना पढ़े नहीं पता चलेगा तो अब हमें क्या करना है अब हमें इस आर सी को पढ़ना है हमें क्या पता लगाना है कि यहाँ पे किस एनवायरमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन हमने पढ़ लिया क्वेश्चन समझ में आ गया अब क्या पढ़ेंगे हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे When Maruti Company was planning to sign a contract with Suzuki Company of Japan, then the Godless Nerolec Company was the first to understand that there would be a huge demand for car painting in India. Since no paint company had car painting technology in India, so Nerolec Company made, us, made use of this opportunity and signed a contract with Kansai Paint Company to import car painting technology. Today, 90% of car paint work of Maruti is done by Godless Nerolec Company.

जिन बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज है लास्ट चैप्टर किस चीज का इंटरप्रोनरशिप का है तो वो यहां पे आके पढ़ सकते हैं इंटरप्रोनरशिप उनकी यहां से कवर हो जाएगी ओके वेरी गुड वेरी गुड राइट फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस क्वेश्चन के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा उनको क्या मिला था कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था एंटरप्रोनशिप सब्जेक्ट है संस्कृत की क्लास भी होती है वेरी गुड वेरी गुड क्या इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे क्या पता चला उन्होंने देखा कि आज तक इंडिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कार को पेंट करने वाली तो उन्होंने क्या किया खांसी पेंट कंपनी के को क्या किया कार पेंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंपोर्ट करवाई और उसके बाद क्या किया आज के टाइम पे 90 परसेंट ऑफ जो कार पेंट होता है वो कौन करता है मारुति के जो कार पेंट करता है वो कौन करता है कंपनी -like ही कर रही है उन्होंने क्या लिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन क्या है हमारा हिज बिजनेस बिकेम एन इंस्टेंट हिट आइडेंटिफाई द वे इन राहुल स्पॉटेड दिस ट्रेंड पे किस चीज की बात कर रहे हैं ट्रेंड की बात हैं कि राहुल ने ट्रेंड कोई बात नहीं अंतराइज सो के कि राहुल ने ट्रेंड कैसे सेटअप किया राहुल को ट्रेंड के बारे में कैसे पता चला अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है ट्रेंड के बारे में फाइंड आउट करना है तो चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं अपना राहुल वॉज मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजबल अटेंसिल्स एंड वॉज ऑलवेज ऑन द लुकआउट टू इम्प्रोवाइज हिज प्रोडक्ट्स ही यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्विस उसने क्या यूज किया है सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्विस को यूज किया टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट ट्रेंड लेटेस्ट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया सोशल मीडिया राइट 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 करना कि बिजनेस uh, स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड कहां से पता किया कस्टमर की नीड्स से पता करी है सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्वे से पता किया है तो अब हमें पता चल गया कि, कि किस किस जगह से उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया है तो जल्दी से बताओ जो सोशल मीडिया वाला ट्रेंड होता है सर्वे वाला ट्रेंड होता है वो कहां से आता है वॉच ट्रेंड से टॉक ट्रेंड से री ट्रेंड से या फिर थिंक ट्रेंड से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी नो बिनेश मैम के पास फ़ोन नहीं है जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज था आज की ये लास्ट क्लास है लास्ट लाइव क्लास है ओके जल्दी से आंसर करेंगे जल्दी जल्दी एक दूसरे का आंसर देख के मत देना दिमाग से सोचना थोड़ा हाँ जी मुस्कान ये एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट क्लास है कौन से वाला ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर वॉच ट्रेंड्स वॉच ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे वॉच ट्रेंड नहीं है कौन से वाला ट्रेंड है जहां पे देखो जहां पे ऑनलाइन सर्वेस की बात होती है किस चीज की बात होती है ऑनलाइन सर्वेस की बात होती है उन्होंने ऑनलाइन सर्वे किया है ऑनलाइन सर्वे किसके अंदर आता है ऑनलाइन सर्वे आता है हमारा टॉक टॉक ट्रेंड ट्रेंड के के अंदर 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 किसके आता आता है 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 नो इट्स नॉट ए आंसर आंसर इसका करेक्ट क्या ऑप्शन नंबर बी दैट इज टॉक ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है ऑनलाइन सर्विस पैराग्राफ के अंदर हमें दे रखा था ना उन्होंने ट्रेंड्स कैसे फॉलो किए सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्वे से कहां से किए सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्वे से तो ऑनलाइन सर्वे कहां पर कौन से वाले ट्रेंड के अंदर आता है टॉक ट्रेंड्स के अंदर आता है किसके अंदर आता है टॉक ट्रेंड्स के अंदर आता है ओके okay. होगी बच्चा रोज क्लास होगी मुस्कान फर्स्ट क्लास है इसके बाद डेली आपके एंटरप्रिनरशिप की क्लास चलेगी ओके okay. राइट प्रियंका ओके okay. गेमिंग जोन वेरी गुड निकिता सर बहुत जल्दी लाइव आ जाएंगे डोंट वरी ओके इट्स ओके बनेश कोई बात नहीं वेरी गुड आई होप आप लोग को क्लियर है वॉच ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है जो हम देखकर चीजों का पता लगाते हैं सर्वेस का पता लगाते है, कैसे? है okay? right. के के हैं कैसे देखकर उसमें आता है वॉच ट्रेंड ओके राइट और टॉक ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है जब हम ऑनलाइन सर्वेस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा यूज करते हैं वॉच ट्रेंड्स के अंदर क्या हो सकता है हम ई के थ्रू मैगजीन के थ्रू न्यूज के थ्रू क्या कर रहे हैं सॉरी वॉच ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है जब हम किसी ट्रेड शो टाइप देखने जा रहे हैं ट्रेड शोज टाइप देखते हैं ना तो वहां पे क्या आता है वॉच ट्रेंड आता है री ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है न्यूज़पेपर हो गए मैगजीन्स हो गई ईमेल्स हो गई उसके अंदर क्या आता है री ट्रेंड्स आता है थिंक ट्रेंड्स के अंदर क्या आता है जब आप सोचना शुरू करते हो उसके अंदर क्या आता है थिंक ट्रेंड सेम टाइम पे होगी आस्था आई थिंक ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन सर्विस के अंदर क्या आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करेंगे ओके आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कॉलेज ऑफ वोकेशनल आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी विद अ ग्रेजुएट डिग्री इन टूरिज्म ऑनर्स रोनाल्ड वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस इन टूरिज्म रोनाल्ड ने क्या सोचा कि अब वो क्या करेंगे अपना बिजनेस टूरिज्म में ही स्टार्ट करेगा इन हिज होम टाउन इन मेघालय शिलोंग आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ आइडिया अब बताओ इसमें जो सोर्स ऑफ आइडिया है वो कहाँ से आए जो आइडिया किसको मिला है इस पर्सन को जो आइडिया मिला है रोनाल्ड को जो आइडिया मिला है वो कहां से आया है नेचुरल रिसोर्सेज से क्रिएटिव एफर्ट से ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया है या फिर सर्विस सेक्टर रिलेटेड आइडिया है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अंतरा हो जाएगी बच्चा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगी श्वेता जी बिजनेस स्टडीज का भी पार्ट है बिजनेस स्टडीज का जो लास्ट चैप्टर है वो इसका पार्ट है जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी नो मुस्कान इट्स नॉट सी ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है जब हम सिर्फ ट्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को क्या करता है सप्लाई करता है वो ट्रेडिंग में आता है जबकि उसने क्या किया है वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं किस फील्ड में टूरिज्म के फील्ड में और टूरिज्म किस चीज से रिलेटेड है सर्विस से रिलेटेड है ओके वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी दैट इज सर्विस रिलेटेड सेक्टर वेरी गुड एवरी वन राइट 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 वेरी गुड गेमिंग जोन भावना शिखा वेरी गुड

क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे सभी जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट ये मार्केट को असेस करते टाइम हम यूज नहीं करते इसको इस फैक्टर को हम मार्केट को असेस करते टाइम यूज नहीं करते इसके अलावा हम डिमांड को भी यूज करते हैं सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन भी देखते हैं कॉस्ट एंड कॉस्ट कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स भी देखते हैं कौन से वाला नहीं देखते हैं हाँ जी श्वेता राइट 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 आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या है एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट इसको हम नहीं देखते हैं इसकी जगह क्या आता है प्रोजेक्ट इनोवेशन क्या आता है इसकी जगह प्रोजेक्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट की जगह क्या आता है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज आता है हाँ जी श्वेता बिजनेस स्टडीज का भी पार्ट है बट ये बिजनेस स्टडीज नहीं चल रही है यह एंटरप्रिनरशिप चल रही है ओके नो सॉर ऑफ डिमांड है इसका पार्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करना ठीक है चूज द वन आउट इन द एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस आपको क्या बताना है एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस जो है इनमें से उसमें कौन से वाला स्टेप नहीं आता है जल्दी से बताओ स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी इवेलुएटिंग द आइडियाज एग्जीक्यूटिंग द आइडियाज या फिर आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे ओके अंतरा ओके हां जी गुड़िया जो आपने सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट डोमेन्स फिल करें आपने आपको वो ही पढ़ना है हां जी श्वेता आपको पढ़ना है तो आप लोग एंटरप्रीनरशिप की जितनी क्लासेस यहाँ पे चलेगी आप लोग उन सबको वॉच कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आंसर करेंगे करेंगे क्वेश्चन नंबर का जल्दी से स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी इवेलुएटिंग द आइडिया एग्जीक्यूटिंग द आइडिया या फिर आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिंग द आइडिया इस प्रोसेस के अंदर नहीं आता है हेलो रंजे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे आप सभी एनी चेंज इन सोशल लीगल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट लीड टू अ न्यू अगर सोशल लीगल या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नई चीज बनती है नया आइडिया आता है न्यू कॉम्पिटिशन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू इन्वेंशन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे जल्दी से आई एम गुड रंजे आप कैसे हो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे सभी अगर सोशल लीगल या टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट में किसी में भी चेंज आता है तो उससे क्या नई चीज बनती है न्यू आइडिया न्यू कंपटीशन, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू इन्वेंशन वेरी गुड मुझे सिर्फ uh, शिखा का आंसर अभी तक करेक्ट आया है अंतरा का करेक्ट है वेरी गुड अंतरा शिखा गुड ओके नो परमिट्स नॉट बी राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी सोशल के अंदर लीगल के अंदर या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमें क्या मिलती है हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम क्या कर सकते हैं नो 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 न्यू कॉम्पिटिशन नहीं आता नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वेरी गुड गेमिंग जोन प्रांजल नो श्वेता इट्स नॉट बी कॉम्पिटिशन नहीं अगर सोशल लीगल में चेंज हो रहा है तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा सोशल में चेंज हो रहा है तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा क्या चीज मिलेगी हमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर लेगा वो क्या होगा वो उस, आ, उस बिजनेस के अंदर क्या हो जाता है वेरी गुड उस बिजनेस के अंदर क्या करेगा फिर वो प्रॉफिट उससे अर्न कर सकता है ओके वेरी गुड हां जी हाँ जी ट्रिकी क्वेश्चन है आपके पास ऐसे ही आएंगे

सोर्स टू इमरजेंस ऑफ एम एस वर्ड तो आपको बताने किस रीजन की वजह से एमएस एमएस वर्ड का पैकेज को बनाया गया ये आपको बताना है ओके okay. एंटरप्रनोरशिप में आई थिंक नाइन चैप्टर है श्वेता या सिक्स चैप्टर्स है मैं आपको बता दूंगी डिटेल में हम सब पढ़ाएंगे जितना भी होगा उन सबको कवर करेंगे ओके okay. जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वर्ड वर्ड के अंदर जो मिस्टेक्स uh, क्यों बनाया गया जब हम टाइप करते थे तो क्या हो रही थी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी उनको कवर अप करने के लिए हमने क्या बनाया एमएस वर्ड को बनाया इन इनोवेशन प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन या फिर इनोवेशन जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड इसका आंसर सबने कर दिया अभी इसने uh, अभी प्रियंका अंतरा वेरी गुड नो मुस्कान इट्स नॉट इनोवेशन किस चीज की वजह से प्रॉब्लम की वजह से क्योंकि हमें टाइप करते टाइम क्या हो रही थी मिस्टेक्स हो रही थी टाइप राइटर पर क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही थी तो वहां पर क्या थी एक प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया हमने एमएस वर्ड को बनाया तो क्या चीज थी इन्होंने क्या बोला सोर्स कौन से वाला सोर्स था जिसकी वजह से हमने क्या किया टाइपराइटर राइटर से हटके कहां पर आए एमएस वर्ड के ऊपर आए वेरी गुड बच्चा वेरी गुड राइट 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 करेक्ट आंसर क्या इसका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर करेंगे आप सभी पार्ले शुड बाय वीट फॉर इट्स वाइड वराइटी ऑफ बिस्कुट पार्ले कंपनी हमें पता है वो बिस्किट्स बनाती है तो इन्होंने क्या लिखा है पार्ले शुड बाय वीट फॉर इट्स वाइड वराइटी ऑफ बिस्कट वेद द न्यू क्रॉप कम्स इन टू मार्केट एज इट विल चीपर एट दैट टाइम विच इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इज बिंग स्पोकन आपको बताना है पार्ले कंपनी को क्या करना चाहिए उनको वीट जो है वो तब खरीदना चाहिए जब क्या होता है क्रॉप क्या होती है नई नई क्रॉप होती है जो फसल होती है वो क्या होती है न्यू न्यू, न्यू होती है इनटू द मार्केट मार्केट के अंदर एंड इट विल चीप एट दैट टाइम और उस टाइम पे क्या रहती है, वो चीप रेट पे रहती है. उसका रेट जो होता है, है जब नई नई फसल आती है मार्केट में तो आपको बताना की कौन सी वाली यहां पर गई है जल्दी से बताओ टापिंग यूजफुल रिसोर्सिस बेटर परफॉर्मेंस इमेज बिल्डिंग या फिर ऑल ऑफ दाफ के अंदर क्या चीज दिखाई दी गई टापिंग यूजफुल रिसोर्सेज बेटर परफॉर्मेंस इमेज बिल्डिंग या फिर ऑल वेरी गुड वेरी गुड ओके गेमिंग जोन का आंसर करेक्ट है वेरी गुड गेमिंग जोन परमी का करेक्ट है वेरी गुड परमी हां जी हाँ जी परमी सिक्स चैप्टर आई थिंक सिक्स चैप्टर है बिजनेस में थर्टीन है ओके राइट 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 वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑसम एंटरटेनमेंट वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या टैपिंग यूजफुल रिसोर्स उन्होंने क्या किया टाइम पे यूजफुल रिसोर्स को क्या कर लिया टैप कर लिया कैसे उन्होंने देखा कि जब क्रॉप नई नई होती है तो मार्केट में उसका रेट क्या होता है चीप होता है न्यू क्रॉप का रेट क्या होता है सस्ता होता है तो उन्होंने क्या किया यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर लिया वेरी गुड एवरी वन राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करेंगे आप सभी दिस एनवायरमेंटल फैक्टर रेफर्स टू ऑल दैट आर अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी एंड आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर आपको बताना है कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं बट आर अनकट्रोलेबल इन नेचर लेकिन वो कैसे होते, है? uncontrollable होते हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते जल्दी से बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे डिटेल लेक्चर बच्चा डिटेल लेक्चर आपको ऐप आप पे मिलेंगे लर्न करो ऐप पे, वहां पर पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है यूट्यूब पे लाइव क्लासेस में हम सिर्फ आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करेंगे जल्दी से ट्वेल का आंसर करो वेरी गुड वेरी गुड क्या है इसका करेक्ट आंसर मैक्रो एनवायरमेंट क्या है इसका करेक्ट आंसर मैक्रो एनवायरमेंट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वेरी गुड परमी नो 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 स्नेहा एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरमेंट में एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों आ जाते हैं तो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे किसकी वो जो जो अनकंट्रोलेबल होता है मैक्रो एनवायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड वेरी गुड बच्चा वेरी गुड राइट 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 बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे आप सब आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 हमें पता है ना हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी इंडिया के अंदर 1991 में आई थी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर ऑफर्ड 1991 में जब एलपीजी पॉलिसीज को लागू किया गया था तो आपको बताना है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वर ऑफर्ड टू बिजनेस फॉर बोथ इंडिया एंड फॉरन उस टाइम पे इंडिया और फॉरन के, के लोगों को के लिए क्या किया था बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को वॉट हैपन अंतरा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके लिए मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो पेस्टल्स होता है ना पेस्टल्स वो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है मैक्रो के अंदर क्या आता है पेस्टल्स आता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल और एक इकोलॉजिकल भी आता है इसके अंदर ओके okay? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे कौन से वाला यहां पे डिस्कस हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लीगल या फिर नॉन ऑफ द अब जल्दी से आंसर करेंगे जब इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की आई थी सीयूटी के एग्जाम्स में बच्चा आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कितना करना होगा 40 क्वेश्चंस करने होंगे ओके राइट 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 वेरी गुड जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करो वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पॉलिटिकल होगा वेरी गुड वेरी गुड राइट हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी एक मिनट पॉलिटिकल क्यों होगा ये तो 1991 की बात कर रहे हैं 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी आप लोग नो 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 इट्स नॉट ए नहीं नहीं ए नहीं है नो इट्स नॉट ए ए नहीं है पॉलिटिकल नहीं है इसका करेक्ट आंसर इकोनॉमिक है इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना 1991 में 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारी एलपीजी वाली तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इकोनॉमिक होगा ए नहीं होगा नो इट्स नॉट ए नो 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 ए नहीं होगा इसका answer. इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे आप सभी इन अकॉर्डेंस विद्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट एन ऑक्यूपायर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू एंश्योर दैट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर फॉर ऑल द वर्कर्स वाइल दे आर वर्क एट फैक्ट्री आइडेंटीफाई देशर फ्रॉम आपको बताना है जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंदर क्या बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट द हेल्थ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आपको उसकी हे, उनकी हेल्थ का उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ओके okay, ब्रेन जी मॉक टेस्ट देखते हैं अभी मॉक टेस्ट करवाएंगे कितनी देर की क्लास है अभी तो स्टार्ट हुई है हमारी क्लास राइट 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 गवर्नमेंट डिसीजन था बट बच्चा जो उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी जो लेकर आए थे हम इकोनॉमिक पॉलिसी तो जिसकी बात हो रही है इकोनॉमिक पॉलिसी की वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर आएगा भले ही उसको हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी बट काम किसका हुआ था इकोनॉमिक का हुआ था ओके वेरी गुड जल्दी जल्दी आंसर करेंगे किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे अच्छा आप इस क्वेश्चन में भी आप लोग गलती कर रहे हो आप इसमें सोशल एनवायरमेंट बोल रहे हो सोशल नहीं है इसका आंसर देखो ध्यान से पढ़ो किस चीज की बात हो रही है यहां पे इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1948 फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही है क्या है ये लीगल एनवायरमेंट की बात हो रही है यहां पे किसकी बात हो रही है लीगल एनवायरमेंट की बात हो रही है करेक्ट आंसर क्या है इसका नन ऑफ दीज नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नो 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 सोशल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही है 1948 का जो Factories Act आया था, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है ना सोशल क्यों नहीं है क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही है ओके राइट 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 वेरी गुड वेरी गुड जी अंतरा लीगल ओके आई होप क्लियर है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा लीगल क्यों है सोशल क्यों नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चूज अ सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन नॉट बी कलेक्टेड आपको बताना है कौन से वाला सोर्स है जहां से हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्या बताना है हमें कैन नॉट नॉट की बात कर रहे हैं कैन नॉट बी कलेक्टेड ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलत हो गया इट्स ओके okay, कोई बात नहीं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे चूज अ सोर्स फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन नॉट बी कलेक्टेड कौन से वाले सोर्स से हम एनवायरमेंट को कलेक्ट नहीं कर सकते मैम सी क्यों नहीं हो सकता बताया तो बच्चा आपको सोशल देखो सोशल एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो सोशल कहां पर आता है जहां पे हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करते हैं बट इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग तो इसमें जो हम ज्यादा वेटेज देंगे वो किसको देंगे लीगल एनवायरमेंट को देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज पब्लिकेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटिव एफर्ट्स या फिर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स कहां से नहीं ले सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड क्रिएटिव एफर्ट से नहीं ले सकते हैं पब्लिकेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं तो हम कहां से नहीं ले सकते क्रिएटिव एफर्ट से नहीं ले सकते है. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड नो केशव नॉट बी एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आ जाएगा बच्चों जस्ट वेट एडमिट कार्ड का वेट ही कर सकते हैं हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर करेंगे अब सभी दीज आर of ऑफ फोर्सेज एंड कंडीशन विच आर एक्सटर्नल टू business बट affect द वर्किंग ऑफ a बिजनेस आपको बताना है सेट ऑफ फोर्सेज है जो क्या करती है बिजनेस को एक्सटर्नली होती तो क्या external होती है एक्सटर्नल होती हैं बट क्या करते हैं बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करती हैं वो फोर्सेज जो बिजनेस के बाहर रहती है बट बिजनेस को क्या करती हैं इफेक्ट करती हैं कौन से वाला है तो वो क्या करती है वो क्या होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस एनवायरमेंट पर अपॉर्चुनिटी या फिर सेंसिंग अपॉर्चुनिटी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे सभी जल्दी जल्दी बताओ आंसर वेरी गुड ऑसम एंटरटेनमेंट वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या बिजनेस एनवायरमेंट उसको क्या बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं वो क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट एक्सटर्नल होता है बट वो क्या करता है हमें क्या प्रोवाइड करवाता है हमारे बिजनेस को क्या करता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कहीं भी कुछ भी चेंज हो रहा है हमारे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में कुछ चेंज हो रहा है किसी की पार्टी जो पार्टी थी सेंट्रल की पार्टी वो हट गई या फिर कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल में होगा कोई लॉ चेंज हो गया जीएसटी आया था लॉ चेंज हो गया देन एक इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो गई तो बाहर के एनवायरमेंट में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो क्या करता है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी बिजनेस एनवायरमेंट वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन गेमिंग जोन प्रियंका अंतरा वेरी गुड right next question question number 17 ka answer ab sabhi. tesla is one of the leading technology company in united states its primary focus was making on electric cars the company has recently diversified its interest to include energy storage energy storage through its lithium ion battery and manufacturing of photovoltaic solar panels through a subsidiary company called solar city

और क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटो वॉटिक सोलर पैनल्स उनको फोटो वॉटिक सोलर पैनल्स भी बनाने हैं राइट मस्क राइट 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 तो आपको बता रहे हैं थ्रू सब्सिडरी कंपनी किस कंपनी की हेल्प से सोलर सिटी की हेल्प से तो जल्दी से बताइए जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे ये यह एनवायरमेंट की कौन से वाली इंपॉर्टेंस को बता रहा है फॉर्मोलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज बेटर परफॉर्मेंस या फिर इमेज बिल्डिंग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे जल्दी जल्दी बताएंगे हाँ जी ऑसम एंटरटेनमेंट एलान मस्क टेस्ला के ओनर जल्दी जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ पे एनवायरमेंट की कौन सी वाली इंपॉर्टेंस की बात हो रही है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज बेटर परफॉर्मेंस या फिर इमेज बिल्डिंग फिर बोल रही हूँ एक दूसरे का देख मत बोलना वेरी गुड एक स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है केशव का आंसर करेक्ट है वेरी गुड वेरी गुड नो 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 पे उन्होंने यूजफुल रिसोर्सेज को टैप नहीं किया है नो no. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है हाईलाइटेंस ऑफ कंपनी वन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कंपनी ने एक से क्या किया है? दूसरे दूसरी कंपनी की हेल्प लेकर क्या किया है? अपने जो जो अपने कंपनी का काम था उसको क्या किया था डाइवर्सिफाई किया था तो उससे क्या किया है? उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसकी क्या हो रही है बेटर परफॉर्मेंस हो रही है तो की इंपॉर्टेंस बतानी थी एनवायरमेंट ने किस चीज की इंपॉर्टेंस इसमें दिखा रही है क्या दिखा रहा है बेटर परफॉर्मेंस अब कंपनी की क्या हो रही है बेटर परफॉर्मेंस हो रही है ओके वेरी गुड आई होप आप लोग को क्लियर है इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी बेटर परफॉर्मेंस हो रही है यहां पे इंपॉर्टेंस बतानी थी इसमें आपको ठीक है राइट 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 केशव राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे अब सब? The अब सब। के केसेस कम हो गए इंडिया के अंदर दिस इज अ रीजन फॉर फैमिली प्रिपेयरिंग फॉर शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप्स और इस वजह से क्या हो रहा है जैसी उन्हें हमें पता चला कि कोविड के केसेस क्या हो गए कम हो गया तो हाँ, <laughs> फैमिलीज ने क्या करना शुरू कर दिया शॉर्ट हॉलीडेज पे जाना शुरू कर दिया समर वेकेशन पे तो आपको बताना है विच पेस्टल फैक्टर्स आर वी टॉकिंग अबाउट फैमिलीज तो टू टेक शॉर्ट ट्रिप्स ड्यूरिंग समर तो आपको बताना है जब फैमिलीज क्या करने लग गई है शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रही है समर वेकेशन के अंदर तो ये किस चीज का पार्ट है पेस्टल के अंदर से आपको बताना किस चीज का पार्ट है इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सोशल या फिर ऑल ऑफ द जल्दी से आंसर करेंगे हेलो सष्मिता वट एपन अंतरा कोई बात नहीं गलती इट्स ओके okay, गलती होती है कोई बात नहीं हमें गलतियों से सीखना है ना अपनी गलतियों से सीखना एग्जाम में गलत नहीं करना है जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सोशल या फिर ऑल ऑफ द अब किस चीज के बारे में क्वेश्चन पढ़ना पैराग्राफ में मत जाना क्वेश्चन क्या बोल रहा है वट वी आर टॉकिंग अबाउट वैन फैमिली जब फैमिली कहाँ जाना चाहती है शॉर्ट ट्रिप्स पे जाना चाहती है हेलो माही आई एम गुड आप कैसे हो तो कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे

तो उसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इकोलॉजिकल क्यों नहीं आया अगर ओम्निकॉन के बारे में बात करते तो ईजिली आ सकता था ओके वेरी गुड वेरी गुड मैम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कोई बात नहीं यूपीएससी की तैयारी कोई भी कर सकता है पर उसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता आपको पास होना चाहिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इलेवंथ ट्वेल्थ में ट्वेल्थ एग्जाम नहीं अच्छे मार्क्स आते हैं बट उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया ऐसा कुछ नहीं आप लोग कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट कोई बात नहीं आई उश इट्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिन स्टूडेंट्स को इकोलॉजिकल में कन्फ्यूजन हो रहा है आई होप क्लियर हो गया होगा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कहां से करेंगे लूमर अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज यूज्ड फॉर आपको बताना है जो लूबर है वो एक टाइप का क्या है नेचुरल रिसोर्स है बी बी हो सकता है बी बताया तो मैंने आपको अगर क्वेश्चन में यह लिखा होता कि ऑमनिकॉन या फिर कोविड नाइनटीन से रिलेटेड कोई बात कोई क्वेश्चन पूछा होता तो हम इकोलॉजिकल ही करते आपका आंसर करेक्ट है हम इकोलॉजिकल करते बट क्वेश्चन में क्या पूछा कि फैमिलीज कहा जाना चाहती है समर वेकेशन पे जाना चाहती है उसके उस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ऑमनिकॉन की बात नहीं की तो इसीलिए वहां पर सोशल इन्वायरमेंट आया ओके okay? राइट right, आप गलत नहीं बोल रहे इकोलॉजिकल आ सकता है मैं समझ गई जो पैराग्राफ में है पैराग्राफ में इकोलॉजिकल की बात हो रही है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या है ये फर्नीचर क्राफ्ट आइडियाज वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किस के है? very good, very good. चीज़ के लिए यूज किया जाता है वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑल ऑफ द अबव हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं फर्नीचर के लिए क्राफ्ट से जो वुड से रिलेटेड क्राफ्ट आइडियाज है उसके लिए भी कर सकते हैं वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं मैम आई गॉट नाइन्टी परसेंट इन ट्वेल्थ वेरी गुड मुस्कान रिजल्ट आ गया वेरी गुड कंग्रेचुलेशन ओके ओके महेश आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इम्प्लाटिंग अ मशीन इन द बॉडी फॉर कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ रेगुलेटेड एंड रिक्वायर्ड डोसेज ऑफ मेडिसिन इन द ब्लड स्ट्रीम नेक्स्ट क्या है पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि हमने क्या किया एक मशीन को इम्प्लांट किया कहा बॉडी के अंदर ही एक मशीन को इम्प्लांट किया जिससे क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा है रेगुलेटेड एंड डोसेज ऑफ मेडिसिन मेडिसिन क्या कर रही है अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर रही है जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय डॉक्टर्स इन इंजेक्टिंग मेडिसिन थ्रू क्योंकि डॉक्टर्स को क्या हो रहा था सरेंज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने क्या किया एक मशीन बना दी जो क्या किया जिससे क्या हुआ वो हमारी बॉडी के अंदर ही इम्प्लांट कर दी गई और फिर क्या हो रहा है अपने आप क्या, क्या कर रहा है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो मेडिसिन जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइडिया फील्ड तो आपको बताना है आइडिया फील्ड यहां पे कौन से वाला यूज हुआ है डॉक्टर्स ने कौन से वाला आइडिया फील्ड यूज किया है क्रिएटिव एफर्ट्स ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया मार्केट ड्राइव इन आइडिया या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड नमन गुड वेरी गुड रोशन जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे Very good, very good. Gaming Zone, right. Mahesh, very good. Maria, very good. राइट वेरी गुड प्रगति राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिव एफर्ट्स यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या दिखाया क्रिएटिव एफर्ट्स दिखाया जो उन्होंने पहले एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड था कि सिरिंज के थ्रू वो क्या करते थे हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट करते थे अब उन्होंने क्या किया मशीन की नई न्यू मशीन न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ गए जिससे क्या हुआ हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मेडिसिन क्या हो रही है अपने आप जा रही right? है वेरी गुड एवरी राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करेंगे आप सभी भारत सेठ ही फाउंडर ऑफ रेज कॉफी फाउंड दैट द कॉफी मार्केट हैड ह्यूज पोटेंशियल एंड मेनी अनसर्व गैप्स सो ही स्टार्टेड टू अपटेन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फोकस ऑन इन इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन भारत इज इन डैश स्टेज ऑफ इनोवेटिव प्रोसेस आपको क्या बताना भारत कौन सी वाली स्टेज पे है उन्होंने क्या बताया उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या स्टार्ट कर दिया रिसोर्सेस को लेना स्टार्ट कर दिया अलग अलग जगह से जहां से वो रिसोर्सेज ले सकते थे उनको स्टार्ट कर दिया इंग्रेडिएंट्स को लेना शुरू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को देखना शुरू कर दिया तो अब आपको बताना है कि भारत कौन से वाली स्टेज पर है इनोवेशन प्रोसेस की कौन सी वाली स्टेज पर है एनालिटिकल प्लानिंग रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेशन या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे हेलो टी सीरीज जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर करेंगे राइट 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 नो इट्स नॉट सी इसमें क्या आएगा रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वैसे अगर हम देखें तो इसमें न कहीं ना कहीं दो या तीन चीजें आ रही है अगर बात करें कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया रिसोर्सेज को लेना शुरू कर दिया इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करना शुरू कर दिया अगर इसकी बात करें तो कौन से वाली स्टेज पे होंगे हम रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज पे होंगे किस पे होंगे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज पे होंगे और अगर बात करें कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को देखा और डायरेक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात कर दी तो यहां पर क्या आ सकता है इंप्लीमेंटेशन की बात आ सकती है किसकी बात आ सकती है इंप्लीमेंटेशन की बात आ सकती है ओके व्हाट हैपेंड अंतरा आई होप क्लियर है आप लोगों को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और फोकस ऑप्टेन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज या फिर फोकस ऑन इनग्रीडियंट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या आ सकता है इसमें रिसोर्सेज रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आ आ सकता है, resources organization वाला आ सकता है है वाला स्टेप और अगर डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की बात करें तो किस चीज क्या चीज आ सकती है इसमें इंप्लीमेंटेशन आ सकती है ओके आई होप क्लियर है आपको बी और सी दोनों ही हो सकते हैं इस केसेस में ओके 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 क्लियर है ना सबको वट हैपन दी आप मेरे क्वेश्चन नहीं देखते ओके okay, अब लिखो अब मैं देखूंगी क्या क्वेश्चन है बिजनेस आयुष बिजनेस हमने खत्म कर दी है सारे लाइन वाइज चैप्टर सब खत्म कर दिए हैं कोई बात नहीं आप लोग मैं आपको बता रही हूँ रोज अब कल से ना आपकी डेली क्लासेस होगी कल सेकंड चैप्टर करेंगे तो आप लोग सेकंड चैप्टर रिवाइज करके आइएगा ओके okay? आप लोग कल सेकेंड चैप्टर रिवाइज करके आना ठीक है फिर से बताऊं जहां पर यह बात हो रही है कि उन्होंने क्या किया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उन रिसोर्सेज को उन्होंने उठाना शुरू कर दिया मार्केट से अगर ये चीज लिखी हुई है तो हम रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें मार्क करते और इन्होंने सेकंड में आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मोलेन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और डायरेक्ट टू कस्टर कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन की कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम वो वाली बात हो रही है तो यहां पे क्या आ सकता है हमारा इंप्लीमेंटेशन आ सकता है कि जो हमारा प्लान है हमने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है ओके टाइम टेबल किस चीज का टाइम टेबल बताना है आपको आई होप क्लियर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो अब

वो किस टाइप के ट्रेंड्स हैं रीड ट्रेंड है टॉक ट्रेंड है, है वॉच ट्रेंड है या फिर थिंक ट्रेंड है जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आयुष बिजनेस खत्म हो गई है बच्चा हमने जितने भी चैप्टर्स थे वो सब कवर कर लिए अगर देखते हैं मॉक स्टार्ट करवाने तो मॉक देख सकते हैं हम बिजनेस के ओके आई होप महेश मिश्रा जी आपको क्लियर हो गया हो गया एडमिट कार्ड बच्चा आ जाएगा आई थिंक think... जल्दी आ जाएगा एक दो दिन में आ जाना चाहिए काफी लेट हो चुका है एडमिट कार्ड को जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वेरी गुड वेरी गुड गेमिंग जोन राइट वी वेरी गुड गॉड राइट राइट सागर टी ओके गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है वॉच ट्रेंड जहां भी ट्रेड शोज या मॉल विजिट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आप ट्रेंड कैसे देखते हो आपको कैसे पता चलता है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वॉच ट्रेंड से देखकर पता चलता है हमें कि अभी मार्केट में कौन से वाला ट्रेंड चल रहा है वेरी गुड एवरी वन राइट 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 वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर करेंगे अब, आप सभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी आपको क्या बताना है इनमें से कौन से वाली क्या नहीं है फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी नहीं है ओके फूड सेक्टर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है आइसक्रीम एंड जूस पार्लर्स इंडियन फास्ट फूड इनक्रेडिबल इंडिया या फिर सैंडविच एंड सैलेड पार्लर्स जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वेरी गुड हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके okay. नहीं नहीं गॉड सिंग मैं सीन कर रही हूँ आपके चार्ट्स आपके कमेंट्स ओके okay, जल्दी से बताओ नहीं केशव अभी अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुई है करना है अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर करेंगे वेरी गुड वेरी गुड सागर गेमिंग जोन केशव राइट 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 वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है इनक्रेडिबल इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया किसके अंदर नहीं आता फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं आता है इसके अलावा आइसक्रीम जूस पार्लर्स हो गए फास्ट फूड्स हो गए या फिर सैंडविच पार्लर्स हो गए ये सारे के सारे हमारे फूड सेक्टर्स के अंदर आते हैं किसके अंदर आते हैं फूड सेक्टर्स के अंदर आते हैं वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन राइट 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर करेंगे अब आप सभी इन विच स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस नॉलेज इज डेवलप्ड इन टू एप्लीकेशन आपको बताना है कौन से वाली स्टेज में क्रिएटिव प्रोसेस की कौन सी वाली स्टेज है जहां पे आप क्या करते हो अपनी नॉलेज को किस में कन्वर्ट कर देते हो एप्लीकेशन के अंदर चेंज कर देते हो अच्छा क्वेश्चन लिखा था सॉरी एक्चुअली मैंने ना कल भी आपकी बात uh, मतलब आपके मैसेज बाद में पढ़ लिए थे तो आप टाइप कर दो मैं बाद में पढ़ लूंगी मेरा एग्जाम थर्टीन जुलाई को है तो ईपीएस का अभी फर्स्ट चैप्टर नवीन आपको कैसे पता आपका एग्जाम थर्टीन जुलाई को है कौन सा एग्जाम है आपका जुलाई को जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे इंक्यूबेशन इल्यूमिनेशन वेरिफिकेशन या फिर प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर करेंगे ऑसम <clears> एंटरटेनमेंट? <throat> awesome जब आप क्या करते हो अपनी नॉलेज को एप्लीकेशन में चेंज करना शुरू कर दो तो वो कौन सी वाली कंडीशन होती है वेरी गुड केशव का आंसर करेक्ट है सी नहीं होगा वेरिफिकेशन नहीं होगा इसका आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन में क्या करते हैं जब हम अपनी नॉलेज से क्या करते हैं नॉलेज से जब हम नॉलेज को क्या करना शुरू कर देते हैं अप्लाई उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं वो किसके अंदर आता है किसके अंदर आता है वो इल्यूमिनेशन के अंदर आता है वेरिफिकेशन नहीं है इसका आंसर वेरिफिकेशन के अंदर क्या आता है वेरिफिकेशन के अंदर आता है जब आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो टेस्ट करते हो जब आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो टेस्ट करते हो टेस्टिंग वाला आता है इसके अंदर ओके आई होप क्लियर है इसका करेक्ट आंसर क्या है बी है क्लियर है आई होप क्लियर है आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या Illumination है इल्यूमिनेशन है इल्यूमिनेशन में क्या करते हैं हम नॉलेज को कहां चेंज करते हैं किस चीज में चेंज करते हैं एप्लीकेशन में चेंज करना शुरू कर देते हैं ओके टेस्टिंग होता है टेस्टिंग में नॉलेज को आप एप्लीकेशन में कैसे चेंज करोगे okay, मुझे एक बार बताओ नॉलेज को एप्लीकेशन में थोड़े ना चेंज करते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे तो क्या करते हो आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया और अब आप उसको मार्केट में टेस्ट करना शुरू करते हो कि वो करेक्ट है या नहीं ओके okay. अच्छा एसी की साउंड आ रही, नहीं वो एसी की साउंड नहीं है बच्चा इनक्यूबेशन में हम क्या करते हैं अपने आइडिया के बारे में सोचते हैं आइडिया के बारे में क्या करते हैं थिंक करते हैं सोचते हैं इंक्यूबेशन में ओके, okay? जब हम आइडिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं उसके अंदर क्या आता है इंक्यूबेशन वो इंक्यूबेशन होता है ओके आई होप क्लियर है आप सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर करेंगे आप सभी बिल <coughs> गेट्स हु हैज हु एज ए अंडर ग्रेजुएट एट हॉवर्ड डेवलप बेसिक फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर आपको पता है बिलगेट्स के बारे में सभी को पता होगा आई होप वो क्या कर उन्होंने क्या किया था ही वॉज एन अंडर ग्रेजुएट एट हॉवर्ड हॉर्वर्ड से उन्होंने क्या किया अंडर ग्रेजुएट किया और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था बेसिक्स फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर पहली बार कंप्यूटर्स क्या बनाए थे बेसिक्स बनाए थे Which idea field do you think Bill Gates posses to become one of the fine one of the richest entrepreneur? तो आपको बताना है बिल गेट्स ने कौन से वाला आइडिया का यूज़ किया जिससे वो क्या बन गए richest entrepreneur है आज के टाइम पे? मैंने बहुत ढूंढा आपको बट आप नहीं मिली कहाँ ढूंढा अंतरा आपने मुझे? मैम मेंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे?

इसका करेक्ट आंसर क्या है क्रिएटिव आइडिया यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया अपना क्रिएटिविटी दिखाई फर्स्ट टाइम बेसिक कंप्यूटर के लिए क्या बनाया उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंप्यूटर डेवलप किया उन्होंने फर्स्ट टाइम तो क्या दिखाया उन्होंने क्रिएटिव एफर्ट्स दिखाया ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया में क्या आता है बच्चा जो ट्रेड से रिलेटेड जब हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं किससे रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड जब हम सामान को इधर से उधर जैसे फ्लिपकार्ट है एमेजॉन है वो क्या करते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं वो मैन्युफैक्चर वो खुद से सामान नहीं बनाते है. वो क्या करते हैं ट्रेड करते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया उसका जैसे अमेजॉन हो गया एमेजॉन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया वो किसके अंदर आता है हमारे ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज के अंदर आता है ओके okay. क्लियर है हाँ जी मैम अर्थ पे ही रहती है हेलो वंश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर करेंगे अब हम ड्यूरिंग अ टाइम इंडिया वो सफरिंग फ्रॉम पुअर कनेक्टिविटी

मुकेश अंबानी जी ने क्या किया मुकेश अंबानी जी आए और उन्होंने क्या किया अपना टेलीकॉम वेंचर जियो लॉन्च किया और उस टाइम पे हमें क्या मिला था फ्री में हमें सिम मिले फ्री में हमें डेटा मिल रहा था ठीक है जियो ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ दीज बायिंग डेटा अबंडफोर्डेबल जियो ने क्या किया उन्होंने डेटा इतना ज़्यादा हमें अबंडेंट मतलब इतना ज़्यादा डेटा प्रोवाइड किया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था और दूसरा वो क्या था अफोर्डेबल था कि अब मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर फैमिलीज भी जो उतना अर्न नहीं करते वो भी इस डेटा को क्या कर सकती थी खरीद सकती थी और यूज कर सकती थी एंड अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री पूरी इंडिया के अंदर वो सब क्या हो रहा था अवेलेबल हो रहा था हाँ जी फ्री जाना उस टाइम पे तो आपको बताना है वट इज द पैराग्राफ ट्राइंग टू रिवील अबाउट एंटरप्रिनोर यहाँ पे इस पैराग्राफ में एंटरप्रिनोर के बारे में कौन सी वाली बात की जा रही है जल्दी से बताओ बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंटरप्रिन अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंट एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे राइट 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 ओके थैंक यू सो मच जल्दी से बताओ वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर क्या इसका ऑल ऑफ द अबव वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका अपॉर्चुनिटी अच्छी थी उन्होंने वो देखा कि इस फील्ड में अगर मैं जाऊंगा तो आगे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और आज के टाइम पे भी जियो के जो प्राइसिस है कहीं ना कहीं वो एयरटेल या वोडाफोन के प्राइसिस क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है ओके राइट और एनवायरमेंट एनालिसिस किया उन्होंने क्या कि अपने किया अपने एनवायरमेंट को एनालिसिस किया एनवायरमेंट को स्कैन किया तभी उन्हें यह पता चल सका कि लोगों की नीड्स क्या है लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया थैंक यू सो मच कैफ वेरी गुड वेरी गुड हमारे देश के लिए उन्होंने अपना प्रॉफिट भी देखा महेश दोनों चीजें हुई यहां पे हमारे देश के लिए भी सोचा और अपना प्रॉफिट भी देखा एंटरप्रिन्योर सामने वाले के लिए कम और अपने लिए ज्यादा सोचता है एंटरप्रिनोर क्या सोचता है आई होप क्लियर है ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग वाई स्वॉटिस एनालिसिस इज यूड आपको पता है ना स्वॉट एनालिसिस क्या होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता है ना सबको स्वॉट एनालिसिस एस फॉर स्ट्रेंथ डब्ल्यू फॉर वीकनेस ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन से वाली चीज फॉल्स है गलत है किसके रिकॉर्डिंग? हाँ जी हां जी हां जी आशुतोष किसके रिकॉर्डिंग? अमित आपके पास जो आपने में, जो आपने आपने डोमेन डोमेन में सब्जेक्ट्स लिया है ना उसी से रिलेटेड uh, साइंस के क्वेश्चन okay? खराब, खराब अच्छी है चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर टू बिल्ड टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस टू रिड्यूस वीकनेस ऑफ बिजनेस टू मिनिमाइज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अ बिजनेस या फिर to

फॉल्स है फॉल्स आंसर है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है राइट 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 नो केशव डी आएगा थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते हैं हम हमें पता चलता है कि अगर हमें कॉम्पिटिटर से हमें मेन मार्केट के अंदर किससे थ्रेट होता है हमारे कॉम्पिटिटर से थ्रेट होता है तो जब हमारे कॉम्पिटिटर से थ्रेट है हमें तो हम क्या करते हैं उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं ओके okay? <laughs> नहीं अच्छी है मेरी राइटिंग ओके, राइट राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वेरी गुड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपका जल्दी से आंसर करेंगे इसका इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रिनशिप विच इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन ऑफ अ यूजफुल आइडिया इन टू एप्लीकेशन विच हैज कमर्शियल वैल्यू पूरा पढ़ना ये किस चीज की बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ यूजफुल आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन आप क्या कर रहे हो आइडिया से डायरेक्ट क्या कर रहे हो एप्लीकेशन कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो उसको विच हैज अ कमर्शियल वैल्यू जिसकी क्या है मार्केट में वैल्यू भी है कमर्शियल वैल्यू भी है ओके okay? जल्दी से बताएंगे क्रिएटिविटी इनोवेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव जल्दी से बताएंगे जल्दी जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का वेरी गुड वेरी गुड परमी आर्यन फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना इसी चैनल पे है फिजिकल एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया

फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कॉमनली ऑप्टेड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एज स्टार्टअप्स आपको किसके बारे में बताना है कॉमनली ऑप्टेड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एज स्टार्टअप्स बिजनेस जो स्टार्टअप्स हम क्या करते हैं लेते हैं स्टार्ट करते हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सिद्धांत हेलो स्नेहा गुड आफ्टरनून नंदू हेलो शंकर हेलो सुजर ओके

प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे पब्लिक कार्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज या फिर ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे सभी ओके क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे हेलो अंतरा गुड आफ्टरनून फिजिकल एजुकेशन का एंटे वाला मॉक तो हमने कंप्लीट करवा दिया है आई एम गुड आप कैसे हो वेरी गुड जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे कौन से वाली कंपनी के शेयर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज किए जाते हैं जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हेलो अंश इसका करेक्ट आंसर क्या है गवर्नमेंट कंपनीज जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जो उनके शेयर्स होते हैं वो किसके नाम पे खरीदे जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं वेरी गुड वेरी गुड राइट राइट ऑप्शन नंबर बी और मॉक और मॉक अभी देखते हैं पहले आपकी लाइव क्लासेस जो हम पर्टिकुलर चैप्टर वाइज करवा रहे हैं ना वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक भी स्टार्ट करेंगे आपके ओके राइट राइट गवर्नमेंट कंपनीज है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे हम एन एंटरप्राइज वेर द गवर्नमेंट होल्ड्स ट्वेंटी सिक्स परसेंट इक्विटी वो एंटरप्राइज कौन से वाली होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कितना रहता है ट्वेंटी सिक्स परसेंट रहता है या उससे ज्यादा जो प्राइवेट प्रमोटर है उनका कितना परसेंट रहता है ट्वेंटी फाइव परसेंट रहता है और जो बाकी बचा हुआ है बाकी बचा हुआ फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा तो वो किसके वो किसके पास रहता है वो जनरल पब्लिक के लिए सब्सक्राइब किया जाता है हां जी अनिमेश देखते हैं अच्छा कौन सी क्लास छूट गई कोई बात नहीं आप देख लेना जल्दी से बताओ वो कौन से वाली टाइप की कंपनी होती है कौन से वाली टाइप के एंटरप्राइज होते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज या फिर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज जल्दी से आंसर करेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कौन से वाली होती है वो ओके okay, रतुल नो no, सेक्टर okay, sure. में ट्वेंटी सिक्स परसेंट नहीं होता पब्लिक सेक्टर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर right, क्या, क्या होता है गवर्नमेंट का कितना होता है ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सिक्स परसेंट से ज्यादा हो सकता है ट्वेंटी सिक्स परसेंट और मोर उसके बाद जो प्राइवेट प्रमोटर होते हैं प्राइवेट प्रमोटर के पास कितना रहता है ट्वेंटी फाइव परसेंट और जो बचे हुए सब्सक्राइब है जो बच जाते हैं शेयर्स तो वो किसके पास रहता है वो जनरल पब्लिक के पास रहता है किसके पास रहता है जनरल पब्लिक के पास रहता है रेस्ट ऑल जितने भी बच जाते हैं वो सब किसके पास रहता है जनरल पब्लिक के पास रहता okay? okay, okay, okay. right. है ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर पे चलता है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करेंगे सभी गुड्स इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस आर ऑफ आर्टिस्टिक नेचर ऑर दिमाइजिंग अप्रोच आपको बताना है कौन से वाले बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं जो गुड्स हम बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं आर्टिस्टिक टाइप गुड्स बना सकते हैं और उनके डिमांड भी कैसे होती है कस्टमाइज वाली डिमांड होती है लाइक कस्टमाइज प्रोडक्ट हम बनाते हैं ओके एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन देखो बच्चा सब आप ही जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कोई अलग से बाहर से कोई एलियन तो आ नहीं रहा है जो आके एग्जाम देने वाले हैं सभी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं सबने अभी अभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म किए ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम्स खत्म किए और अब उन्हें क्या देना है सी यू टी देना है तो कॉम्पिटिशन जिस हिसाब से पहले होता था उसी हिसाब का कॉम्पिटिशन अभी भी होगा बस थोड़ा सा ये है कि सी यू टी में क्या हो रहा है बच्चे क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो बच्चों को डर लग रहा है पहले वो सारा का सारा अपना फोकस किस पे करते थे ट्वेल्थ के एग्जाम्स पे करते थे अब उनको ट्वेल्थ के अलावा सीयूटी पे भी फोकस करना पड़ रहा है सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट 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 वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वो हो सकता है कैसे हो सकता है जैसे कि आप हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं टेलर अगर हम टेलर का एग्जाम्पल लें तो टेलर क्या करता है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाता है आपके लिए बनाता है ना कैसे बनाता है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाता है जैसा आप चाहते हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइप्स के क्या बनता है उनकी फिटिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के कोई वो बनते हैं ड्रेसेस बनती है ओके हेलो महेश तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप वेरी, 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे अच्छा मैं एक चीज और बता दू आपके पास आरसीज वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो प्रिपेयर रहना इनके लिए ज्यादा ज्यादा टाइम टाइम मत उपर, मत स्पेंड करना आरसीज के ऊपर ठीक है खर्च कर देना अपना मैम अगर ये क्वेश्चन याद कर ले तो काम हो जाएगा नहीं लेट्स थिंक क्वेश्चंस याद करने से काम नहीं होगा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा गुड आफ्टरनून सोनू Very good. Next question. Surprise Limited is a company engaged in the manufacturing of room heaters. The company has four main departments. Purchase, Marketing, Sales and Finance and Warehousing. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees in the Finance Department and Marketing and Sales Department. Identify the component of business plan which will help the human resource manager... टू डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में इसके अंदर क्या बताना है हमें कि एक कंपनियां उनका क्या हो रहा है ज्यादा काम स्टार्ट हो गया है ओके सूजर ओके जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे इस केस में क्या हो रहा है उनको क्या कर करें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है तो अब उन्होंने क्या किया है ज्यादा लोग रिक्रूट करना शुरू कर दिया तो आपको क्या बताना आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान विच विल हेल्प ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे मार्केटिंग फाइनेंशियल मैन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हेलो प्रियांशु राइट 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 वेरी गुड जहां पर भी हमें किसकी बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे लेबरर्स की बात करेंगे या फिर अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो वहां पे कौन से वाला प्लान आएगा हमारा मैन पावर प्लान आएगा वेरी गुड मुस्कान प्रियांशु हेलो प्रियांशु सोनू तनिषा वेरी गुड वेरी गुड लेट्स थिंक वेरी गुड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करेंगे अब सभी Karan and his friend Justin are into developing sustainable products that are environment-friendly and at the same time carrying value for the customers. They want to de develop lacto-vegetarian leather by using aloe vera. They met the officials from venture angels company that promotes young entrepreneurs. Hopeful of a positive response, they submitted a detailed, detailed, well-written and pleasuring formatted plan. आइडेंटिफाई द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान प्रेजेंटेड यूज बाय करन एंड हिज फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या करना है इनका कुछ प्लान है बनाने का कोई प्रोडक्ट बनाने का और उसके लिए इन्होंने क्या किया एक डिटेल प्लीजिंग फॉर्मेट टाइप का प्लान बनाया है तो अब आपको बताना है क्वेश्चन क्या है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन यूज बाय करन एंड हिज फ्रेंड तो करण और उसके फ्रेंड जस्टिन ने कौन से वाला प्लान जो है वो यूज किया है हेलो प्रियंका

डिटेल्ड वेल रिटर्न एंड प्लेजिंग हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना आपको आईडेंटिफाई द बिजनेस विच कैन नॉट बी स्टार्टेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको बताना है वो कौन सा वाला बिजनेस फॉर्म है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल स्टार्ट नहीं कर सकता खुद से सोल प्रोप्राइटरशिप पब्लिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज जल्दी से बताएंगे कौन से वाला ऐसा बिजनेस है या ऐसा राइट बिजनेस है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल स्टार्ट नहीं कर सकता जल्दी-जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप पब्लिक कॉर्पोरेशंस पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे सभी वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 वेरी गुड कौन सा नहीं कर सकते पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते जिन्होंने जॉइंट स्टॉक बोला है इसमें भी आता है इसमें गवर्नमेंट भी आता है इसमें पब्लिक प्रमोटर भी आता है उसमें जनरल पब्लिक भी आती है कि कौन से वाला वो स्टार्ट नहीं कर सकते टोटल जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन होते है वो एक इंडिविजुअल पर्सन खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी दैट इज पब्लिक देखोशन सोल प्रोपराइटरशिप एक अकेला बंदा स्टार्ट कर सकता है पार्टनरशिप जो है वो भी एक पर्सन दूसरे को अपने साथ लेके क्या कर सकता है स्टार्ट कर सकता है बट वो क्या नहीं कर सकते पब्लिक कारपोरेशन खुद से शुरू नहीं कर सकते कोई भी इंडिविजुअल्स ओके आई होप क्लियर है अच्छा सी आई थिंक वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पार्टनरशिप के लिए तो दो, दो लोगों की तो कम से कम जरूरत है बट इसमें किस चीज की बात हो रही है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते ओके okay? उसके रिगार्डिंग हाँ जी लेट्स थिंक पब्लिक का आंसर आंसर वेरी वेरी गुड गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर का करेंगे अब सब दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अब आपको बताना है पब्लिक एंटरप्राइज होती है जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज होती है, है उसमें से सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन सा है स्ट्रेटेजरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे जल्दी से अच्छा अच्छी लग रही है कल बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम अच्छी नहीं है आपकी राइटिंग ओके जल्दी से बताओ ईपीएस कब पढ़ाओगे ईपीएस एंटरप्रीनोरशिप एंटरप्रीनोरशिप ही तो चल रही है और क्या पढ़ा रही हूं मैं जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है ओल्डेस्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे सभी ओके थैंक यू निष्ठा वेरी गुड वेरी गुड कौन से वाला इसका करेक्ट आंसर ए बी सी सब बोल दिया सब सब सारे हैं <laughs> हाँ जी हाँ जी अनिमेश न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल्स नु, भी करवाएंगे जो भी होगा ओके okay. राइट right, इसका करेक्ट आंसर क्या है गवर्नमेंट कंपनीज क्या है इसका करेक्ट आंसर गवर्नमेंट कंपनीज आई ए एस बच्चा मैं आई ए एस के लिए कैसे बता सकती हूँ आई ए एस मुझे उसका नॉलेज नहीं है उतना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम ओके क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे चूज द वन इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी आपको बताना है है इनमें से से कौन से वाली क्या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है नॉट वाला बताना है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है कौन सी वाली गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जल्दी जल्दी बताओ कौन से वाली गवर्नमेंट कंपनी नहीं है सर क्लास क्यों नहीं ले रहे नहीं सर ने आज क्लास ली है मुझसे पहले अभी सर की क्लास चल रही थी यहां पे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान यूनिवल लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है ये ब्रिटिश बेस की कंपनी है वेरी गुड इसके अलावा भारत ए, हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है कंपनियां अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट कंपनी है और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी क्या है ये तीनों क्या है इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज है कौन सी कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनीज है ओके राइट 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 ओके अमीश अमीशी ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करेंगे अब सभी आइडेंटिफाई द कंट्री विच डज नॉट फ्लो द मिक्सड इकॉनमी आपको बताना है कौन सी वाली कंपनी कंट्री में क्या नहीं चलती मिक्स इकॉनॉमी नहीं चलती मिक्सड कौन कौनसी वाली होती है जहां पे गवर्नमेंट का भी चलता है और प्राइवेट uh, का भी चलता है दोनों का क्या चलता है दोनों का ओके राइट 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 जल्दी से बताओ कौन से वाली मिक्सड इकोनॉमी इनमें से नहीं है डज नॉट फॉलो यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस स्वीडन या फिर चाइना जल्दी जल्दी बताएंगे वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करेंगे वेरी गुड राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है गुड इसका करेक्ट आंसर है चाइना चाइना की इकोनॉमी कैसी है सोशलिस्ट इकोनॉमी है किस टाइप की इकोनॉमी है वहां की सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके अलावा इन तीनों कंट्रीज में किस टाइप की इकोनॉमी चल रही है मिक्सड इकोनॉमी चल रही है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर करेंगे नंबर स्टेट द फॉर्म ऑफ ऑफ यूटिलिटी क्रिएटेड सेल पीस ड्यूरिंग सीजन अब आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में कौन से वाली आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में स्टेट द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी क्रिएटेड ऑफ बिजनेस मैन Sell canned during off -season. आपको पता ना अगर कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है ऑफ सीजन में आपको कोई बेच रहा है तो कौन से वाली यूटिलिटी यहां पर क्रिएट हो रही है प्लेस यूटिलिटी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कौन से वाली यूटिलिटी यहां पर क्रिएट हो रही है अगर एक बिजनेस मैन क्या कर रहा है आपको ऑफ सीजन में वो चीज प्रोवाइड करवा रहा है ऑल ऑफ दीज देख के आंसर मत करना ऑल ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर हां जी हांजी कृतिक नो 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 इट्स नॉट ऑल ऑफ दीज वेरी गुड जिन स्टूडेंट ने सी आंसर किया है ऑफ सीजन में भी आपको सामान दे रहा है इट मीन वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है जिस सीजन में होता है उस टाइम पर तो हमें मिलता ही है जिस सीजन में नहीं होता उस टाइम पर भी वो हमें दे रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है क्या क्रिएट हो रहा है वहां पर टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है हेलो प्रियंका क्या चीज क्रिएट हो रही है टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है ओके okay, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है टाइम यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी कब आता है अगर हम ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई चीज है और हम जम्मू से कहां पर लेके आ रहे हैं उसको यूपी में या फिर साउथ में लेके जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है ओके हेलो अंकित तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा टाइम यूटिलिटी आई होप क्लियर है सबको ओके राइट 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 टाइम यूटिलिटी वेरी गुड यहां से देखो ऑफ सीजन में भी वो आपको चीजें प्रोवाइड करवा रहा है क्लियर है ना सबको वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करेंगे सभी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से वाला है जो बहुत पुराना है और काफी टाइम से क्या हो रहा है चल रहा है अच्छा बी एस टी की क्लास एप्लीकेशन के ऊपर ऐप पे पढ़ रहे थे आप कोई बात नहीं इट्स ओके रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी वाली चीज कहां पे आ रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कौन से वाला ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर जल्दी से बताओ मैम आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए अच्छे लगते हो इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए राइट राइट फिजिकल की मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है ओके okay, मैं बात करती हूँ फिजिकल की मॉक टेस्ट सीरीज के लिए ठीक है करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी सोल प्रोप्राइटरशिप वेरी गुड सबसे पुराना फर्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट के केस की बात नहीं कर रहे हैं हम इस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं नॉर्मल नॉर्मल कोई भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सबसे इजी या सबसे कॉमनली कौन से वाला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ओके 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 अंकित क्लियर है ना सबको

Oldest, simplest, और सबसे अगर अगर किसी आपको 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 बोले कि आपको करना है इफ की बात करें तो क्या आप सेक्टर खोल सकते हो? नहीं खोल सकते individual, कोई भी सेक्टर एंटरप्राइज नहीं खोल सकता बात किसकी हो रही है ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा आई होप क्लियर है अब आपको ओके डी भी हो सकता है मुझे पता है आपको डी क्यू बोल रहा हो आप लोग बट मुझे एक बात बताओ अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को लाइक like मैं या फिर आप हो गए हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हम इजीली खोल सकते हैं सिंपलेस्ट मेथड है वो नहीं है ना सिंपलेस्ट मेथड पब्लिक सेक्टर प्राइस किसी भी इंडिविजुअल के उसकी बात नहीं है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन

सुपरमार्केट बनाएगा तो उसके उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा शिव उसका बेस्ट फ्रेंड था उसने कहा कि मैं भी आप इस प्रोजेक्ट में क्या करूंगा इन्वेस्ट करूंगा तो अब आपको बताना है कि इन दोनों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो कौन सा होगा सोल प्रोपराइटरशिप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी या फिर पार्टनरशिप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वट हैपन राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है पार्टनरशिप वेरी गुड क्या है इसका करेक्ट आंसर पार्टनरशिप दोनों ने दोनों मिलकर क्या स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप एक एनआरआई है वो भी आया उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि वो भी क्या करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो जब दो लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है पार्टनरशिप होता है क्या होता है पार्टनरशिप होता है ओके राइट 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 ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे नंबर का आंसर करेंगे अब सब। वर्ड प्रोपराइटर मीन्स आपको बताना है जो वर्ड प्रोपराइटर होता है उसका मतलब क्या होता है आपने जो चैट पढ़ी जस्ट ऊपर मेरी चैट थी वो तो दिखी नहीं होगी <laughs> अंतरा क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो द वर्ड प्रोपराइटर प्रोपराइटर जो हम वर्ड यूज करते हैं कॉमनली उसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है ओनर एंटरप्राइज बेनिफिशियरी या फिर मैनेजमेंट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वॉट हैपेंड राइट 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 वेरी गुड क्या होता है उसका मीनिंग प्रोपराइटर का मीनिंग क्या होता है राइट ओनर प्रोपराइटर कौन होता है किसी भी बिजनेस के ओनर होता है क्या होता है किसी भी बिजनेस के ओनर को हम क्या बोलते हैं प्रोपराइटर बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लियर है सबको राइट 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 डिसकनेक्ट हो गया वाईफाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लेना जिनका जितना 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 छूट जाता है आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिया करो ठीक है मेन मोटिव तो हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने से आपके प्रैक्टिस कर, करवाने से ठीक है मैम यू आर माई फेवरेट ओके अंकित ओके मैम आप ये हाँ जी हाँ जी यूपी गणेशपुर चैट थोड़ा देर में आती है ओके okay. अच्छा मुस्कान मोस्टली आंसर सही जा रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे फाइंड द द वन आउट इन केस ऑफ ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आपको बताना कौन से वाला पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है ऑड वन आउट बताना है आपको ओके कोई बात नहीं सूजल इट्स ओके वाई फाई हो गया कोई बात नहीं जा रहा हूं ओके अंकित वट एपेंड तुम लोग फिर लड़ रहे हो आज वेरी गुड वेरी गुड आंसर प्रॉफिट शेयरिंग म्यूचुअल एजेंसी एटमोस्ट गुड फ्रेड या फिर इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे <laughs> मैं सब सब कुछ पढ़ रही हूँ अंतरा कौन से वाला नहीं है ऑड वन आउट बताना आपको ठीक है कौन से वाला नहीं है इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है कोई बात नहीं क्या हो जाता आई डोंट नो राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या Easy formation and closure. Profit sharing भी होता है पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी एजेंसी भी म्यूचुअल क्यों बोलते हैं क्योंकि जब तक म्यूचुअली सब अग्री नहीं होता है तब तक हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते अट गुड फ्रेड दूसरी बात पार्टनरशिप अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो आपको एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए भरोसा होना चाहिए अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते तो आप एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चला पाओगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर करेंगे आप सभी ओके व्हाट है दीपक क्या हो गया ओके चलो क्लास पे ध्यान दो तुम लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो सिक्सटीन क्वेश्चन द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज ईदर बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज आपको बताना है, अगर एक आइडिया किस चीज का आइडिया कंपनी बनाने का आइडिया आता है कंसीव पर्सन किसी एक इंसान के पास आया या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास आया तो उसको हम क्या बोलेंगे उन ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या बोलने वाले डेवलपर्स प्रोमोटर्स हेल्पर्स या फिर नॉन ऑफ द अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी बताओ क्या है इसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का आंसर हां जी सिक्सटीन क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी वेरी गुड वेरी गुड मुस्कान वेरी गुड मेघा वेरी गुड तनीषा राइट 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 क्या बोलता है उसको प्रमोटर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रमोटर्स बोलते हैं जब कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन क्या सोचते हैं कि हमें एक कंपनी बनानी है कंपनी स्टार्ट करनी है उनको क्या बोलते हैं प्रमोटर्स बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का आंसर करेंगे अब सभी सिंगल पर्सन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज इनफ टू मैनेज एवरीथिंग ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को अच्छी स्टेटमेंट है सिंगल पर्सन कैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सबसे अच्छे कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल सबसे अच्छा कब होता है जब सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है एक पर्सन के हाथ में होता है अगर सिर्फ सारी चीजें मेरे हाथ में रहेगी तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस है मैं हर चीज किसके अकॉर्डिंग करूंगी अपने अकॉर्डिंग करूंगी इज स्ट्रांग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग और वो सब किसके लिए होता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हो आ, बराबर होता है गीतांक्षी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कौन सा क्वेश्चन बचा गीतांक्षी कौन सा क्वेश्चन करना है हेलो मधुराई माधुरी सॉरी माधुरी अंतरा मुझे ना ज्यादातर ये दिख, दिख रहा है आपको मेरी चैट नहीं दिखती <laughs> मैं यही पढ़ रही हूँ आपसे ओके जल्दी से बताओ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ये स्टेटमेंट किस चीज के लिए कौन से वाले बिजनेस के लिए ट्रू है प्राइवेट कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या फिर पब्लिक कंपनी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी सोल प्रोप्राइटरशिप राइट सोल जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है एक पर्सन की होती है जिसको होगा, वो किसको होगा? उसी को होगा. जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा कौन करेगा वो सिंगल पर्सन करेगा तो सारी की सा, सारी चीजें कौन मैनेज करता है एक ही पर्सन करता है और उसको हम क्या बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं वेरी गुड एवरी राइट 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 वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे अब सभी ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स सूट ओनली अ पब्लिक कंपनी आपको बताना है कौन से वाले फीचर किसको सूट करते हैं सिर्फ एक पब्लिक कंपनी को ही सूट करते हैं वो आपको बताना है ठीक है हाँ तो क्वेश्चन आप नहीं देखते अच्छा <laughs> देखती हो अंतरा में क्वेश्चन कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर इन कार्पोरेशन हैज रेस्ट्रिक्शन अप टू टू हंड्रेड में डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपटेन क्वालिफिकेशन शेयर जल्दी से क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है ना आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी सिर्फ पब्लिक कंपनी को सूट करता है वो बताना है आपको नो no, बी नहीं होगा सूजल, नो no. ये तो प्राइवेट कंपनी का है टू हंड्रेड मेंबर्स किसका है प्राइवेट कंपनी के लिए है झंझट खत्म <laughs> नहीं नहीं महेश मैं आपके आंसर्स को देख रही हूं किसने का नहीं देख रही हूं जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन से वाला फीचर है जो सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही सूट करता है वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स ठीक है अंतरा ओके ओके अभी मैंने आपके सारे मैसेजेस पढ़े हैं लगातार वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट कंपनी का फीचर है किसको सूट करता है सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही सूट करता है राइट तनिचा पब्लिक कंपनी में क्या होता है इनफाइनाइट नंबर होता है इसकी लिमिट नहीं होती है ये क्या होता है अनलिमिटेड होता है वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड वेरी गुड तनीषा हेलो हिमांशु चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन किस चीज का मैच का क्वेश्चन है मैच करना आपको ओके ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे जल्दी से बताओ इग्नोर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है मैं इग्नोर कर रही हूं मैंने अभी तो बोला हेलो हेलो हिमांशु आई थिंक आपने सुना नहीं चलो बताओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर करेंगे सभी माइनर पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी डेथ ऑफ पार्टनर हमें क्या करना है मैच करना है जल्दी से मैच करके बताओ जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर करेंगे माइनर पार्टनर्स कौन होते हैं दैट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट देन म्यूचुअल एजेंसी कौन सी होती है डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप पार्टनरशिप एंड हो जाती है फोर्थ का फर्स्ट देन वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हमारी प्रॉपर्टीज भी बिक जाती है थर्ड का टू और का क्या होती है है on है हाँ, थोड़ा थोड़ा accounts, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर accounts भी है, business भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे एक मिनट ऑप्शन दिखाए नहीं आप लोगों को लो अभी दिख रहे हैं ऑप्शन आई होप क्लियर है सबको ऑप्शन दिख रहे हैं अभी ओके okay. <laughs> ओके वेरी गुड वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है हेलो दिव्यांशी आप बहुत लेट हो गए वेरी गुड हेलो प्रियंका राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड राइट राइट सुजल तनिषा निकिता यूपी गणेशपुर वाला अच्छा चलो वेरी गुड वेरी गुड ओके 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 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करेंगे आप सभी दिस एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान गोज बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर आपको बताइए ऑपरेशनल प्लान का कौन से वाला एलिमेंट होता है जो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आगे बढ़ता है कहा जाता है और फ्लो ऑफ गुड्स की बात करता है सर्विस फ्लो ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज कहाँ से प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक जाता है क्या करता है ऑपरेशनल प्लान के अंदर आता है बट क्या करता है ये मैन्युफैक्चरिंग से आगे होता है प्रोडक्शन से लेके कहाँ तक चले जाता है कंज्यूमर के पास तक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हेलो दिव्यांशी गुड आफ्टरनून अच्छा फिजिकल का वन शॉट देखते हैं हाँ जी प्रियंका बोलो कोई क्वेश्चन है दिव्यांशी अभी ठीक हो आप जल्दी से बताओगे रूटिंग शेड्यूलिंग इंस्पेक्शन या फिर शिपिंग क्या है इसका ऑप्शन के अंदर क्या होता है जहां पे आपका जो गुड होता है सर्विस होता, होता है वो कहां से प्रोडक्शन से कहां तक जाते है अपने कंज्यूमर के पास तक जाते हैं जिन्होंने उसको, उसको क्या किया होता है उनको लेना होता है उस गुड्स को परचेज किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं शिपिंग बोलते हैं वेरी गुड सूजल फास्ट गेमर नित राइट आरुषि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 ओके अकाउंट्स की क्लास आज हुई तो थी डिस्ट्रैक्ट गेमर्स वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है question number 21 का answer करेंगे अब सभी. न्यू मेथड्स और स्ट्रेटजीज कैन बी इवॉल्व टू एंश्योर प्री डिटर्माइन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको क्या बताना है? कौन से वाले ऑपरेशनल प्लान की कौन से वाला एलिमेंट है ऑपरेशनल प्लान का जो क्या करता है टेस्ट करता है स्पेसिफाई लेबॉरटरीज में और न्यू मेथड और स्ट्रैटेजीज क्या करता है हमारे प्रोडक्ट को लेबॉरटरीज में टेस्ट करता है या फिर क्या करता है मेथड्स और स्ट्रैटीज जो नई इवॉल्व हुई है उनको टेस्ट करता है टू एनश्योर प्री डिटर्म स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ताकि वो क्या कर सके प्री डिटर्मिन पहले से ही डिटर्माइन कर सके कि हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा हो सकता है ओके, okay. जल्दी से बताओ वेरी गुड वेरी गुड अच्छा आपका नाम दिव्यांश है ओके ओके दिव्यांश रूटिंग, इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग या फिर शिपिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को अलग अलग लेबोरिट्री में स्पेसिफाइड लेबोरिट्रीज में क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं टेस्ट करते हैं और क्या करते हैं जो मेथड्स होते हैं होती हैं उनको प्रिपेयर करने की उनको उनको बनाने की उनको भी क्या करता करता है है इवॉल्व ताकि हम क्या पता लगा सके जो हमारा प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड पता लगा सके राइट 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 हाँ जी सी ही है इसका आंसर राइट सुजर राइट महेश इंस्पेक्शन वेरी गुड वेरी गुड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब सब क्वेश्चन नंबर फैक्टर अफेक्टिंग द ऑपरेशनल प्लान इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन given बिलो आपको बताना है कौन से वाला जो फैक्टर है वो ऑपरेशनल प्लान को अफेक्ट नहीं करता है नॉट करेक्ट बताना है कौन से वाला फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता ओ oh, मैं एंटरप्रिनरशिप के कितने चैप्टर्स बाकी हैं uh, केशव इसमें सिक्स चैप्टर्स हैं आज हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं सी एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी है माधुरी uh, आपने सिलेबस चेक किया कंप्यूटर्स मतलब आप डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या फिर जो जनरल टेस्ट है उसकी बात कर रहे हो नारायण हम देखते हैं अगर वन शॉट हुआ यूट्यूब पे तो ज़रूर कराएंगे हम आपको ठीक है जल्दी से बताओ नेचर ऑफ वेंचर टाइप ऑफ प्रोडक्ट टारगेट मार्केट या फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कौन से वाली चीज़ है जो ऑपरेशनल प्लान को अफेक्ट नहीं करेगी जल्दी से बताओ नहीं आता कोई बात नहीं ट्राई करो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हो बट आप क्या कर सकते हो आप चीजों को एलिमिनेट करके भी तो पता लगा सकते हो एलिमिनेट करके देखो कौन से वाला आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता ऑपरेशनल प्लान ऑपरेशनल प्लान के अंदर क्या करते हैं हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं अपना गुड को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो दिमाग लगाओ क्या क्या कर सकते हैं नेचर ऑफ वेंचर हमारी कंपनी किस टाइप की है वो वो क्या हम वो अफेक्ट करेगी कोई बात नहीं हाँ जी तुक्का भी लगा सकते हैं वो अफेक्ट करेगी करेगी टाइप ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट करेगा हमारे ऑपरेशन प्लान को बिल्कुल करेगा कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी या कितने टाइम में वो बनेगा वो भी जाए वो भी जाएगा हाँ जी अंतरा व्हाट हैपेंड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है टारगेट मार्केट टारगेट मार्केट जो है वो ऑपरेशनल प्लान को इफेक्ट नहीं करेगा ओके okay. टेक्नोलॉजी नहीं बच्चा टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आप ऑपरेशनल प्लान के अंदर अगर हमने टेक्नोलॉजी हमारी अपडेट हो गई तो ऑब्वियसली हम हमारे ऑपरेशनल प्लान के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में हमें ऑपरेशनल प्लान के ऊपर वो तो डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है नो 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी टारगेट मार्केट इसका करेक्ट आंसर है ओके ओके नारायण नो नो अगर वन शॉट हम करवा पाए तो हम जरूर करवाएंगे ओके 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 गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर करेंगे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्लान आपको बताना है जो प्रोडक्शन प्लान होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको, होता? होता? उसको हम क्यों बनाते हैं प्लान लेआउट मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट या फिर ऑल ऑफ द अब जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक गलत हुआ कोई बात नहीं वेरी गुड वेरी गुड अच्छा सही हो गया अंतरा डी राइट 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 वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव जो प्रोडक्शन प्लान होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं प्लान लेआउट भी आएगा मैन पावर रिक्वायरमेंट भी आएगी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट भी आएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 हाँ जी जर्नल जर्नल अवेयरनेस देखो मैं ये बोलूंगी गुड़िया कि जितना आप लोगों का करंट अफेयर्स आ रहा है वो आप पढ़ सकते हो अभी रिसेंटली जो जो चीज़ें आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो आप जरूर पढ़ के जाना वो आ सकते हैं लाइक इकोनॉमिक्स में अभी हमने भी क्वेश्चन किया था जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है उससे हमारी कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास तो फिलहाल जो करंट चल रहा है ना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो जरूर पढ़ना ओके वेरी गुड वेरी गुड <coughs> हां जी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो मिसलिनियस मॉक्स करवाएंगे ओके okay? जी सुजल ओके okay. जी प्रियंका व्हाट हैपेंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच कॉम्पोनेट ऑफ द बिजनेस प्लान कंडक्ट एनालिसिस आपको बताना है कौन से वाला बिजनेस प्लान कंडक्ट करता है स्वट एनालिसिस किसके अंदर आता है स्वट एनालिसिस क्या होता है पता है ना हम सबको स्वट एनालिसिस पता है ना सबको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स जी ह्यूमन रिसोर्स एच आर प्लान में ह्यूमन रिसोर्स एचआर प्लान में सी का क्या मतलब है कौन से वाला क्वेश्चन हां जी नेगेटिव मार्किंग भी है राइट 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 स्ट्रेंथ वेरी गुड वेरी गुड स्ट्रेंथ वीकनेस राइट right. जल्दी से बताओ स्वॉट एनालिसिस में कौन से वाले प्लान के अंदर आता है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग या फिर ऑपरेशनल आरुषि ख़त्म होने वाला जल्दी से अभी खत्म हो जाएगा स्वॉट एनालिसिस किसके अंदर करते हैं हम स्वॉट एनालिसिस क्या होता है स्वॉट एनालिसिस होता है हमारा स्वॉट एनालिसिस हम हाँ, अपनी कंपनी के लिए करते हैं ताकि हमें क्या पता चल, चल सके कि हमारी अपनी वीकनेस क्या है स्ट्रेंथ क्या है हमारी वीकनेसेस क्या है कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है और किससे हमें थ्रेट है यह होता है स्वॉट एनालिसिस किसके अंदर आता है ये एनवायरमेंट स्कैनिंग के अंदर आता है किसके अंदर आता है एनवायरमेंट स्कैनिंग के अंदर आता है एनालिसिस क्या होता है ओके <coughs> <Okay. coughs> <coughs> इसका करेक्ट आंसर क्या मार्केटिंग प्लान बच्चा मार्केटिंग के अंदर करते हैं हम स्पॉट एनालिसिस किसके अंदर करते हैं? मार्केटिंग के अंदर करता है जब हम अपने एनवायरमेंट को देखते हैं जब हम अपने एनवायरमेंट को देखते हैं कि हमारी कंपनी की कौन, कौन सी वाली चीज अच्छी है कौन सी वाली चीज हमारी कंपनी के लिए बेकार है नो नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान नहीं सी है बच्चा इसका आंसर मार्केटिंग प्लान के अंदर देखते हैं किसके अंदर देखते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कैसे होगा स्वॉट एनालिसिस हम किस चीज के लिए करते हैं अच्छा प्रियंका इकोनॉमिक्स में वीक हो कोई बात नहीं प्रियंका आप पढ़ाई करो मेहनत करो ओके अंतरा ओके गुड आफ्टरनून देव ऑर्गेनाइजेशन करता है बट कौन से प्लान में आता है ये भी तो आपको बताना है हर ऑर्गेनाइजेशन करते है ये बात करेक्ट है बट कौन से वाले प्लान के अंदर आती है ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा जबकि मार्केटिंग प्लान में हम क्या देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं और मार्केटिंग प्लान के अंदर ही हम क्या करते हैं स्वॉट एनालिसिस करते हैं बहुत सारे एनवायरमेंट स्कैनिंग के बहुत सारी चीजें होती है आपके सिलेबस में सिर्फ स्वॉट एनालिसिस दिया हुआ है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी हमें कौन कौन सी मिल सकती है तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा मार्केट से ही तो पता चलेगा कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है हमें थ्रेड कौन सा मिलने वाला है ओके okay? <coughs> मैम मेरे पास बुक है तो हाँ जी आपके पास जो भी बुक है अगर आपको सिलेबस लग रहा है कि उसमें से सिलेबस है तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी पढ़ पढ़ सकते हो ओके वेरी गुड वेरी गुड ट्वेंटी थ्री का सी ओके okay, महेश मैं अभी देखती हूँ जब क्वेश्चन सेंड कर लूंगी ना उसके बाद मैं क्वेश्चन uh, आपका देख लूंगी ठीक है क्लियर है अभी सब क्लियर है ट्वेंटी का आंसर सी है क्लियर है सबको ओके वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर फाइव सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करेंगे अ प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी ओपीसी का मतलब क्या होता है मुझे यह भी बताना ओपीसी की फुल फॉर्म भी बताना हैज अ मिनिमम ऑफ टू एंड अ मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट में आपको बताना है प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर हम ओपीसी को हटा दे तो उसके अंदर मिनिमम दो लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे पूरे साल में पांच छह दिन इकोनॉमिक्स का क्लास चलाऊंगा ओके ओके बेटा मैक्सिमम बताना है मैक्सिमम। राइट, राइट 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 केशव राइट अंकित क्या बोलते हैं वन पर्सन कंपनी बोलते हैं ओपीसी को क्या बोलते हैं वन पर्सन कंपनी बोलते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर हम ओपीसी को हटा दे मिनिमम तो दो लोग होते हैं और मैक्सिमम कितना होता है जल्दी से आंसर करो मैक्सिमम कितना होता है नो मैक्सिमम फिफ्टी नहीं होता मैक्सिमम टू हंड्रेड होता है क्या होता है मैक्सिमम टू हंड्रेड होता है और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में क्या होता है पब्लिक में सेवन मिनिमम होता है पब्लिक में किस में पब्लिक में और मैक्सिमम क्या होता है पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड राइट राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है टू हंड्रेड टू हंड्रेड होता है वेरी गुड बी नो केशव नॉट बी नो फिफ्टी नहीं है टू हंड्रेड है मैम मुझे समझ नहीं आता गेम के लिए एक बुक है उसमें से पढ़ाई करें या फिर ऑनलाइन कोचिंग करें क्या सही पड़ेगा आप बताइए अमित पूरी तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है क्योंकि ऑनलाइन भी आपको मटेरियल अवेलेबल है और आप लोग अगर बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो अगर आपको सी ऑनलाइन पढ़ना है तो आप आ, हमारा परचेज कर सकते हो लर्न करो आपको लर्न करो आप पे जो बैच है वो आप परचेज़ कर सकते हो और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो ओके राइट 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 सूजल पहले क्वेश्चन में हमने किया तो था इससे पहले क्वेश्चन में बच्चे ध्यान नहीं देते अभी तो किया था हमने क्वेश्चन में ये आंख बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं इन्हें नहीं ये इनका ध्यान पता नहीं कहाँ है ओके 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 चलो कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ इट हैज नो बडी एंड नो कंसाइज इट स्टिल एग्जिस्ट एज पर्सन हैविंग अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन

देन हैविंग अ डिस्टिंग पर्सनैलिटी और उसकी क्या होती है पर्सनैलिटी अलग होती है अपनी खुद की पर्सनैलिटी होती है तो जल्दी से बताओ कौन से वाला कैरेक्टरिस्टिक पे कंपनी के बारे में बताया गया है वॉलेंट्री एसोसिएशन कॉमन सील आर्टिफिशियल पर्सन या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी मैम डोमेन से हटकर कुछ नहीं है पढ़ना पड़ेगा मतलब डोमेन से हटकर नहीं जो आपके जो आपके सब्जेक्ट्स है ना आप लोगों को वही पढ़ना है जो आपने आ, फिल किया है हाँ जी अंतरा बोलो राइट राइट वेरी गुड मुस्कान इसका करेक्ट आंसर क्या आर्टिफिशियल पर्सन डिस्टिंग पर्सनैलिटी राइट राइट हां जी इसका आंसर क्या आर्टिफिशियल पर्सन ही है ओके वेरी गुड गुड़िया क्या पूछ रहे हो आप दोबारा से पूछना राइट आर्टिफिशियल पर्सन डीबी होता है हाँ हाँ डी हो सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे पता है मैंने मेरे को मुझे भी लगा था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था क्रिएटेड बाय लॉ की वजह से बोल रहे होंगे स्टूडेंट्स की मैम इसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकता है बट दोनों दोनों चीज हो सकती है ठीक है बट ज्यादा क्या ज्यादा किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन को क्योंकि आगे जितना भी पूरा सेंटेंस है जो आगे दिया हुआ है वो पूरा का पूरा किसके बारे में दिया हुआ है पर्सन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी के बारे में बताया गया कंपनी की दैट इट हैज नो बॉडी उसकी कोई बॉडी नहीं होती कोई कंसाइज नहीं होता बट वो स्टिल क्या करती है एग्जिस्ट करती है ओके okay? हाँ जी हाँ जी मैं समझ गई आप लोग डी क्यू बोल रहे हो स्टार्टिंग वाली लाइन को देख के बोल रहे हो क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ ओके ओके बाय दिव्यांशी वॉट हैपन जा रहे हो एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं दो क्वेश्चंस करेंगे ओके okay? अब पब्लिक कंपनी इज द वन वे आपको बताने पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जहां पे मिनिमम नंबर मिनिमम मेंबर्स आर सेवन एंड मैक्सिमम नो लिमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल मिनिमम मेंबर्स आर टू या एनी प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ अब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर करेंगे एक पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है हाँ जी गुड़िया हाँ जी जो सब्जेक्ट आपने फिल किया है आपको वही पढ़ना है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कोई और डोमेन सब्जेक्ट मत पढ़ना उसी में से आएगा क्या नहीं पता प्रियंका क्या नहीं पता जल्दी से बताओ वेरी गुड वेरी गुड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जिसमें मिनिमम क्या होता है पब्लिक कंपनी के बारे में बताओ ट्वेंटी सेवेंथ का आंसर करेंगे नहीं नहीं सुजल मैं नेम किसी का भी नहीं ले रही हूं मैं किसी का नेम नहीं ले रही हूँ नहीं प्रियंका इग्नोर हाँ जी केशव पूछो क्या डाउट है जल्दी से बताओ पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो करेक्ट <coughs> आंसर क्या है पब्लिक का वेरी गुड इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए जिसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं है है? है, कोई लिमिट नहीं होती और 200 ये किसका है ये प्राइवेट का प्राइवेट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे प्राइवेट ओके आई होप क्लियर है सबको इसका क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी हाँ जी महेश हाँ जी सूजर राइट ए काउंसलिंग फॉर्म पर वीडियो कब आएगी मोटिवेशन हेवेन जल्दी आ जाएगी नो no, अंकित किसको चोट लग गई जल्दी से बताओ नो नो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आर द पिलर्स फॉर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको बताना है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो कौन से वाले बिजनेस के क्या होते हैं पिलर्स होते हैं जल्दी से बताओ आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन ही तो बोलते हैं कंपनी को हम और क्या बोलते हैं जो एग्जिस्ट करती है उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन ही बोलते हैं वो लॉ के थ्रू बनती है ओके, वेरी गुड वेरी गुड राइट कौन से वाले में होता है पार्टनरशिप में होता है वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी दैट इज पार्टनरशिप वेरी गुड अगली क्लास एंटरप्रेन्योरशिप की कल ही होगी बच्चा सीवीटी पेपर विल हैपन इन वन डे और इट विल टेक सेवरल डेज आई थिंक आपका जो एग्जाम होगा ना वो डेट शीट वाइज होगा ओके हो गई okay? <laughs> क्लास एंड होगी जब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का न्यू इशू मे बी इशूड बाय आपको बताना जो न्यू इशू होता है उनको कौन इशू कर सकता है न्यू कंपनीज कंपनीज ओल्ड बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अब जल्दी से बताओ खमा गनी आशुतोष सॉरी अंतरा ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन क्या किया मैंने क्या किया गुड आफ्टरनून आफ्टरनून जतन हेलो चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो न्यू इशू में भी इशूड आपको बताना जो न्यू इशू होता है उनको कौन इशू कर सकता है कौन कौन सी वाली कंपनी कर सकती है न्यू जल्दी से आंसर करेंगे हाँ जी हमने सारे चार्ज पढ़े हैं वेरी गुड वेरी गुड हेलो विकास हेलो राइट नो नॉट राइट राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी देखो न्यू इशू क्या होता है जो कंपनीज क्या करती हैं पहली बार अपने मार्केट में क्या करती है अपने शेयर्स को पब्लिक करती है बेचने के लिए निकालती है तो उसको क्या बोलते हैं न्यू इशू बोलते हैं अब वो न्यू कंपनी भी कर सकती है और ओल्ड कंपनी भी कर सकती है कौन नहीं कर सकता जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में वो नहीं कर सकता बट उससे फर्क नहीं पड़ता कोई नई कंपनी है या कोई पुरानी कंपनी है वो दोनों की ओके दोनों चीटिंग okay? अच्छा खमागणी नमस्ते खमगनी नमस्ते मतलब okay. I hope clear है जिनको ए या बी लग रहा था दोनों आएगा इसका आंसर ठीक है न्यू कंपनी भी और ओल्ड कंपनी भी ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे अब सब अंडर दिस मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट अ सब्सक्रिप्शन इज इनवाइटेड फ्रॉम जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी थ्रू इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको बताना है फ्लोटेशन का कौन से वाला मेथड है जो कहाँ पर होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है पब्लिक को जनरल पब्लिक को बोला जाता है कि आप आओ हमारी कंपनी में क्या करो इन्वेस्ट करो

पे किस चीज की बात कर रहे हैं वो उस फ्लोटिंग मेथड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या करते हैं जनरल पब्लिक को डायरेक्टली हम बोलते हैं कि आप आके क्या कर सकते हो हमारे सेम टू यू सूजन

क्या करते हैं अपने शेयर्स को बेच देते हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं और ऑफर फॉर सेल भी क्या होता है काइंड ऑफ फ्लोटेशन मेथड ही होता है इसके अंदर भी क्या करते हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो शेयर्स होते हैं उनको बेचते हैं फर्स्ट टाइम ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब सब

नो 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 नॉट वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है वो क्या है एंजल इन्वेस्टर है वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है वो क्या है एंजल इन्वेस्टर्स ध्यान से देखो वो फॉर्मर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट इन्फोसिस और ये क्या, है? ये? क्या होता है? इनका एक ग्रुप होता है लोगों का और वो क्या करता है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बट ये यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है वो क्या है वो सॉरी uh, वो एंजल इन्वेस्टर है क्या है वो एंजल इन्वेस्टर है. है आपने बोला था इंटरप्रीनरशिप के Uh, बाद मिसलिनियस मॉक भी हाँ जी सुजन uh, मिसलिनियस मॉक्स करवाएंगे ओके okay? अभी करवाएंगे राइट इस, uh, right. इसका करेक्ट आंसर क्या जी सौरभ इसका करेक्ट आंसर क्या एंजल इन्वेस्टर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कहेंगे व्हाट हैपेंड शुभम नहीं नहीं बेलुगा करता है, करते हैं वो फंड करते हैं बट जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या होता है वो ग्रुप में लोग होते हैं और वो क्या करते हैं लाइक like, uh, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे समझ लो बट एंजल इन्वेस्टर क्या होता है अकेले होता है और वो क्या करता है प, आ, लोगों के न्यू बिजनेस में क्या करता है इन्वेस्ट करते हैं ओके हेलो दिव्यांशी ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर कहेंगे उसको क्या बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंस सीड कैपिटल फाइनेंस सेल या फिर ऑल ऑफ द अबव वेरी गुड वेरी गुड सबको पता है उसको क्या बोलते हैं सीड सीड कैपिटल कैपिटल फाइनेंस फाइनेंस कब करता है है जब बिल्कुल स्टार्ट करना होता है। हमें अपने मार्केट में प्रोडक्ट बेचने से पहले क्या करना पड़ता है हमें उसे रिसर्च uh, करता है उसके बारे में कि क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा है क्या वो इस मार्केट में चलेगा क्या हमारे पास टारगेट कस्टमर्स हैं तो उस रिसर्च को करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीड कैपिटल बोलते हैं क्या बोलते हैं सीड कैपिटल बोलते हैं ओके okay?

इन्वेस्टिंग कैपिटल इन्वेस्टिंग वेंचर कैपिटल कैपिटल या फिर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करेंगे सब क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करो बच्चा वेरी गुड वेरी गुड उसको हम क्या बोलते हैं

Venture capital is also known as, आपको बताना है 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 को हम और क्या बोलते हैं या फिर all of the above. किसकी बात हो रही है? पे venture capital की बात हो हो रही रही पे की जल्दी से बताओ कैपिटल के बारे में जल्दी से बताओ वेंचर कैपिटल के बारे में रिस्क कैपिटल रिस्क फंडिंग रिस्क फंड या फिर ऑल ऑफ द अब क्या बोलते हैं इसको नहीं डी नहीं है ऑल ऑफ द अबव नहीं है नो 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 नॉट ऑल ओके राइट राइट प्रगति इज राइट प्रगति इज राइट नो इट्स नॉट दी डी मैंने पहले कट कर दी डी नहीं है डी नहीं है नो इट्स नॉट दी आई थिंक मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट का देखा प्रगति इज राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है रिस्क कैपिटल क्या बोलते हैं रिस्क कैपिटल कैपिटल बोलते हैं वेंचर को और हम किस नेम से जानते हैं रिस्क कैपिटल के नेम से जानते हैं क्योंकि उनको क्या होता है रिस्क होता है वो अमाउंट जब किसी कंपनी में फंड करते हैं लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है वो रिस्क होता है टाइप ऑफ रिस्क होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं ओके जी सुजल ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आइडेंटिफाई द वन दिच इज नॉट अ प्लेयर इन कैपिटल मार्केट आइडेंटिफाई द वर्ल्ड विच इज नॉट अ प्लेयर इन द कैपिटल मार्केट आपको बताना है कैपिटल मार्केट में कौन कौन uh, नी रोल प्ले करता है अपना गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉरन इन्वेस्टर्स या फिर बोथ ए एन बी कैपिटल मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे ध्यान देना कैपिटल मार्केट में कौन से वाला नहीं होता गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉरन इन्वेस्टर या फिर बोथ ए एन बी नॉट बताना है आपको हेलो अंतरा वॉट एपन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट 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 कौन नहीं रोल प्ले करता है फॉरन इन्वेस्टर नहीं होता है कौन कौन होता है हमारी गवर्नमेंट भी होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है कौन नहीं होता है फॉरन इन्वेस्टर नहीं होता है तो उसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलो अंतरा राइट 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 वेरी गुड वेरी गुड हां जी बिलुका करेक्ट है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे आप Offering shares to employees leads to, आपको बताने है, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करती है डिस्काउंट रेट दे पे देती है लाइक like अगर उसकी फेस वैल्यू कितना हंड्रेड रुपीज पर शेयर है तो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कितने में Maybe 90 या 80 में वो अपने company के employees को दे देती तो उसको क्या है? बोलते हैं उस चीज का फायदा क्या होता है

राइट right. इसका आंसर क्या ऑल ऑफ़ द अबव जब जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है अपनी कंपनी के तो उनके अंदर क्या फीलिंग आती है लाइक like, अब हम भी इस कंपनी के है, क्या है ओनर हैं तो जब आपको ये लगेगा कि आपकी कंपनी है तो आप और अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो क्या होता है उनकी एफिशियंसी बढ़ जाती है नेक्स्ट लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर लो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है like लाइक अगर किसी कंपनी में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हो बट अगर आपको कंपनी आपके उसी कंपनी के शेयर्स भी दे रही है तो ओनरशिप आ गई आपके पास तो आप क्या करते हो उस कंपनी से जाने का जो है वो डिसीजन Uh, हटा दे तो लाइक like, अब मुझे नहीं जाना उस कंपनी से ठीक है तो एम्प्लॉई टर्नओवर क्या होता है कम हो जाता है नेक्स्ट लो फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्या हो जाती है उस केस में लो हो जाती है हाँ जी बच्चा इसका आंसर डी ही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबव वेरी गुड गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू देम ऑन राटा बेसिस अब आप दोबारा से आपको क्या बताना मेथड के बारे में ही बताना कौन से वाला मेथड है जिसमें हमें अगर एडिशनल एडिशनल कैपिटल की जरूरत है तो हम क्या करते है? क्या है? है, हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ऑलरेडी हमारी ऑफर करते हैं सिक्योरिटीज कर लेते, है? ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पब्लिक इशू राइट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर ऑफर टू एम्प्लॉयज जल्दी से बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट उसको हम क्या बोलते हैं राइट इशू बोलते हैं नो पुनित नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोलते हैं उसको हम राइट राइट इशू इशू बोलते हैं right के केस में क्या होता है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं ये किनको देते हैं जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के क्या होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम पे करते हैं इसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस को हम देते हैं ताकि हमारी जो ओनरशिप है वो हमारे पास बनी रहे रीजन क्या होता है ना बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता उसके आपको पता ही पब्लिक इशू कौन से वाला होता है जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो कि आप आ सकते हो और हमारी कंपनी के क्या कर सकते हो शेयर को परचेज कर सकते हो और लास्ट क्या ऑफर टू एम्प्लॉय ऑफर टू एम्प्लॉयज तो हमें पता चल गया ना जब एम्प्लॉयज को हम शेयर देते हैं डिस्काउंट रेट पे किस पे देते हैं डिस्काउंट पे हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज को अपनी कंपनीज के शेयर देते हैं ओके okay, क्लियर है अभी चारों चीजें ओके प्रगति ओके 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 जी सुजल राइट इसका राइट इशू वेरी गुड वेरी गुड बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या राइट इशू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या करोगे सौरभ मैम की ये जान के आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो कैपिटल एसेस थ्रू पब्लिक इशू कैपिटल एसेस थ्रू पब्लिक इशू अगर हम पब्लिक इशू से कैपिटल ले रहे हैं तो उसको uh, ले रहे हैं तो ड नॉट हमें वापस नहीं करना है नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट चेंज बोथ ए एंड बी या फिर नॉन जल्दी से क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करेंगे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करो वेरी गुड जल्दी करो बेलू गाइस राइट ओके राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है बोथ ए एंड बी जब पब्लिक के थ्रू हम पब्लिक इशू करते हैं और फिर क्या करते हैं पब्लिक से पैसा उठाते हैं तो उसमें एक उसको हमें वापस नहीं करना होता क्योंकि हमें अपनी कंपनी की ओनरशिप उनको दे दिया है तो पहली चीज हमें उसको रिपे नहीं करना है दूसरी चीज उसमें ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा हां इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है डेप पे दिया जाता है जो आप बैंक से लोन उठाते हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाते हो उसके ऊपर क्या करते हो आप डेप पे करते हो इंटरेस्ट पे करते हो उस डेप के ऊपर बट इसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है ओके okay? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी वेरी गुड वेरी गुड राइट नो नो अनामिका नो इट्स नॉट दी नो ओके क्लियर ना सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हाउ एंजल इन्वेस्टर्स डिफरेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट चलो अब आपको क्या बताना है एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट से कैसे डिफरेंट होता है ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं अलग कैसे हैं ये आपको बताना है ओके okay? अच्छा मेरी सिंस अच्छा जितने नेगियो के सब भाईविन बनाओगे आप लोग हां

कितना देना कितना नहीं देना बट इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है जो आपको डेप पे पर मंथ या पर ईयरली आपको देना ही देना होता है इंटरेस्ट के साथ क्या होता है फिक्स अमाउंट रहता है कि छः परसेंट और छह परसेंट ही देना है बट डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता डिविडेंड कभी भी कोई कंपनी फिक्स नहीं रखती है हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या करती है लो रखती है और अगर उनका मन है देने का तो वो देती है नहीं देने का मन है तो वो नहीं भी देती बट इंटरेस्ट अगर है तो वो देना ही पड़ता है अगर आपने डेट उठाया है लोन उठाया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे हाउ इन्वेस्ट इन्वेस्टर्सिटल ओन मनी इन टू स्मॉल कौन होता है जो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं अपना खुद का पैसा लगाते हैं किसका लगाते हैं अपनी खुद का खुद की कमाई लगाते हैं स्मॉल स्मॉल बिजनेस में जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाते है. वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाते वो क्या करते हैं वो कंपनी का पैसा लगाते हैं लेकिन एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं स्मॉल बिजनेस में okay, तो इसका करेक्ट ही है बाकी सब गलत है ऑन एक्सेप्टन इन्वेस्टर वाइल वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली प्रोवाइड एडवाइस अलॉन्ग फंडिंग इन्होंने बोला है कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करता है रिटायर्ड सी ये भी गलत है ज़रूरी नहीं है कि इंजन इन्वेस्टर्स क्या हो रिटायर्ड हो वो अभी आ, काम भी कर सकते हैं कंपनी में हो भी सकते हैं और रिटायर भी हो सकते हैं दोनों चीज़ें आती हैं ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिस मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस इज इन एक्सपेंसिव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मिडलमैन एजेंट्स बेनिफिक्टर्स प्रोस्पेक्टर्स एक्सेट्रा आपको बताना ये वाला मेथड जो है एडिशनल फाइनेंस करने का ये क्या है इनएक्सपेंसिव है लाइक इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कोई मैन नहीं चाहिए एजेंट नहीं चाहिए बेनिफेक्टर्स नहीं चाहिए, चाहिए इशू नहीं करवाना है वो कौन से वाला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू एम्प्लॉयज राइट इशू या फिर बोथ बी एंड सी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे ओके okay. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू ऑफर टू एम्प्लॉयज बी एंड सी पेनिट्रेशन वाला कोर्स अच्छा ओके सुजल ओके 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 ए होगा नो no. मुझे करेक्ट आंसर किसी का नहीं दिख रहा ओके प्रगति इज राइट प्रगति इज राइट नो रूबी इट्स नॉट राइट इशू राइट इशू के केस में क्या होता है हमारा कोई भी खर्चा नहीं होता उल्टा ऑफर टू एम्प्लॉयज के केस में तो उनको नुकसान होता है वो डिस्काउंट में देते हैं अपने एम्प्लॉयज को ठीक है जहाँ पे इन एक्सपेंसिव बोला हुआ है कोई भी लाइक उनके तरफ से कोई कॉस्ट नहीं लगती वो किस केस में होता है राइट इशू के केस में होता है क्योंकि जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है अब उन्हें अलग से कोई प्रोस्पेक्ट नहीं छपवाना उन्हें पता है कि ये चार लोग हैं और इन्हीं चार लोगों को हमें क्या करना है आगे और अपने शेयर को देना है ओके okay?

इन एक्सपेंसिव नहीं मान सकते इन एक्सपेंसिव कौन से वाला होता है राइट इशू होता है ओके क्लियर है ना सबको वेरी गुड आंसरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे आप सब ओके तान्या ओके आई होप क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे

देव ने उसे क्या कहा सेंस ही हैज नेवर ऑप्टेन कैपिटल फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम एंड ही कुड ऑप्टेन कैपिटल फंड्स दिस वे उसने कहा कि आपने कभी भी अपने शेयर्स को सिक्योरिटीज पब्लिक को, को बेचकर पैसा नहीं उठाया तो आप क्या कर सकते हो इसको ट्राई कर सकते हो फर्स्ट टाइम में और हो सकता है आपका जो कैपिटल है वो आप एक्वायर कर लो ठीक है If Rahul agrees to Dev idea, then issue of such securities would be termed as. अगर वो देव का आइडिया मान लेता है तो अब आपको बताना है कि कौन से वाली सिक्योरिटीज उस सिक्योरिटीज को क्या बोलेंगे इशू करता है अगर वो सिक्योरिटीज तो उसको हम क्या बोलेंगे न्यू मनी इशू पब्लिक इशू राइट इशू या फिर नॉन ऑफ द अब जल्दी से बताओ ए बी सी या डी इस क्वेश्चन का आंसर सबका अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होगा ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू बोल दो सब रोशन को वो आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो अगर ये गलत दिया किसी ने फोटो तो उस फोटो को आप वो करवा लो ना निकलवा लो उस फोटो को अगर आपके फोन में है तो आप वो, सेम फोटो निकलवा लो शाना आप सेम फोटो निकलवा लो वैसे बोलते हैं ऐसा कि आपको सेम फोटो चाहिए दोनों चीजें कर लो सेम फोटो ले जाओ करवा लो अगर निकल सकती है शाना अगर वो पे का आप निकाल सकते हो तो उसको बेटर है वो निकाल लो आप ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का कर आंसर करो वेरी गुड वेरी गुड क्या बोलते हैं उसको न्यू मनी इशू क्या बोलते हैं न्यू मनी इशू जब हम पहली बार कोई भी इसमें क्या कर है राहुल आज तक उसने अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं बेची है अब वो पहली बार सिक्योरिटीज बेचने जा रहे हैं तो वो क्या करेगा न्यू न्यू मनी इशू करेगा ओके वेरी गुड नो 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 नॉट बी हाँ पब्लिक इशू पब्लिक इशू तो वो कर ही रहा है पब्लिक में तो वो इशू कर ही रहा है बट कौन से वाले मेथड से करेगा न्यू न्यू मनी इशू से करेगा अच्छा फोन में फोटो नहीं है ओके okay. <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चा अगर फोटो सेम हो जाए तो बेटर है अदरवाइज वो देखो ज़्यादा तो ऐसे नहीं है बट इशू कर सकते है, बना सकते हैं आप दोबारा से क्लिक कर लो ना वो फोटो जैसी थी उसी हिसाब से दोबारा से क्लिक कर लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे व्हेन अ कंपनी डस नॉट वांट टू डाइवर्स इंफॉर्मेशन इन द ओपन मार्केट बट स्टिल वांट्स टू रेज फाइनेंस व्हिच मेथड वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू रेज फाइनेंस आपको बताना है जब कंपनी क्या नहीं चाहती अपने सीक्रेट्स अपनी कंपनी के सीक्रेट्स पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती क्योंकि जब आप पब्लिक इशू करते हो आ, मतलब फिर आपको अपनी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक को बतानी पड़ती है तो उसके इसमें क्या होता है आपके बारे में सब लोग जानते हैं उसके बाद सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं बट आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना जाए और आप इजीली क्या कर सको फाइनेंस रेस कर सको फाइनेंस भी मिल जाए और इन्फॉर्मेशन भी ना जाए तो वो कौन से वाला मेथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हो फाइनेंस कर सकते हो पब्लिक इशू राइट इशू ऑफर टू एम्प्लॉयज या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट वेरी गुड वेरी गुड उसको क्या बोलते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है इंस्टीट्यूशनल होते हैं फाइनेंशियल होते हैं आप उनको अपने बेच देते हो लाइक like उनसे क्या कर लेते हो अपना फाइनेंस रेज कर लेते हो और वो आपको अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी उनको डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती है ओके वेरी गुड वेरी गुड बच्चा वेरी गुड सूजल वेरी गुड वेरी गुड निखिल प्रगति गुड बच्चा गुड 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

इन विच अर्ली स्टेज कौन सी वाली स्टेज होती है फाइनेंसिंग की ये आपको बताना है जल्दी से बताओ ओके रोशन रोशन ने कुछ बताया आप लोग पढ़ सकते हो जिनको भी इशू हो रहा है एडमिट कार्ड के तीन पेज प्रिंट आउट करवाने या फिर एक अगर देखो जरूरी है तो आप लोग तीनों करवा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अपनी साइड से सब ओके करके चलो क्योंकि कोई फायदा नहीं आप वहां जाओगे वहां उन्होंने बोल दिया कि आपको तीन पेज ही करवाना है फिर वहां कहाँ आप शॉप ढूंढोगे घर से ही पूरी तैयारी करके जाओ ओके okay? हेलो सूर्यांश जल्दी से बताओ कौन से वाली कौन से वाली स्टेज है वो हेलो सूर्यांश यादव जी सीट कैपिटल प्री स्टार्ट सेकेंड राउंड नॉन वेरी गुड वेरी गुड उसको क्या बोलते हैं हम प्री स्टार्टअप और या फिर स्टार्टअप फाइनेंस बोलते हैं जब हम क्या करते हैं अपनी जो हमारा बिजनेस प्लान होता है वो किसके पास लेकर जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास लेकर जाते हैं और अगर उन्हें वो प्लान पसंद आ जाता है तो वो हमारे प्लान के अंदर क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं ओके वेरी गुड राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड मास नहीं लेके जाना आप लोग एडमिट कार्ड के जितने भी उन्होंने पॉइंट्स दे रखे होंगे ना वो अच्छे से पढ़ना ठीक है जो दो तीन पेजेस बोल रहे हैं ना उसमें आपको लिखा हुआ होएगा कि आपको क्या चीज़ लेकर जानी है क्या चीज़ लेकर नहीं जानी है उस चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वहाँ जाके एट अ टाइम आपको प्रॉब्लम वो बहुत चीज बेकार है और हाँ एग्जाम सेंटर पर हो सके तो एक डेढ़ घंटा पहले जाके पहुँच जाना पहले पहुँच जाना ताकि कुछ दिक्कत ना हो आपको ओके हाँ जी ऐसा होता है ज्यादातर तो फर्स्ट फ्रंट पेज ही मांगते हैं एक्स्ट्रा नहीं मांगते बट फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो आप तीनों ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बाय वट अदर नेम्स कैन स्टॉक बी एसोसिएटेड विद स्टॉक को हम और किस नेम से जानते हैं और किस नेम से और कौन सा नेम हो सकता है स्टॉक का ये बताओ सिक्योरिटीज शेयर्स इक्विटी या फिर ऑल ऑफ द अबव जल्दी से बताओ स्टॉक को अब हम और किस नेम से जानते हैं पेन कौन सा लेके जाना है बॉल पेन लेके जाना ब्लू बॉल पेन ब्लू वो भी लिखा होगा आई थिंक कलर भी लिखा होता है वेरी गुड वेरी गुड शुभम रेड रेड मत लेके जाना नो no. मास्क नहीं मिलेगा हाँ बट अपनी साइड से भी लेके जाना अपनी साइड से भी लेके जाना वहां पे भी मिल, मिलेगा आपको राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी सारी इन सब चीजों को हम क्या बोल सकते हैं स्टॉक बोल सकते हैं सिक्योरिटीज हो गया ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब वेरी गुड वेरी गुड राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वेंचर कैपिटलिस्ट सीक टू एक्सिस्ट एग्जिट फ्रॉम विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड द टाइम पीरियड इज आपको पता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो जनरली क्या करते हैं बिजनेस से एग्जिट कर लेते हैं आपको पताना है कौन से वाले स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर करते हैं फाइव टू सेवन थ्री टू फोर थ्री टू सेवन या टू टू फाइव ईयर जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अच्छा बता दिया सर ने ओके 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 आप गोकुल सर की वीडियो देख लेना उन्होंने सब बता दिया है कि क्या क्या लेके जाना है आपको क्या नहीं लेके जाना है ओके वेरी गुड वेरी गुड राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री टू सेवन ईयर थ्री टू सेवन ईयर्स के बीच में जनरली वो क्या कर लेते हैं उस बिजनेस से आगे बढ़ जाते हैं जितना उन्होंने रिस्क लिया होता है उतना कमाने के बाद वो क्या कर देते हैं उस बिजनेस को छोड़ देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री टू सेवन ईयर वेरी गुड वेरी गुड दिव्यांशी सूर्य नो रूबी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन। सुनीधि इस आईडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्नीकर्स विद जीपीएस ट्रैकर सुनीधि क्या है एक एंटरप्रेन्योर है उसके पास क्या है एक आइडिया आया है कि वो क्या करेगी स्नीकर्स बनाएगी जिसके अंदर क्या लगा होगा जीपीएस ट्रैकर लगा होगा जिससे कि क्या होगा शी इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट अच्छा सॉरी हाँ, उसका क्या आइडिया है कि वो क्या बनाएगी स्नीकर्स बनाएगी, जिसके अंदर क्या होगा जीपीएस ट्रैकर होगा तो अब आपको क्या बताना है और वो क्या हो गया वो सेल भी होने लग गया मार्केट में सो असिस्टेंट फॉर एक्सपेंशन अब वो क्या चाहती है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है मॉडर्नाइजेशन एंड अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग

कैपिटल कब आता है जब हमें रिसर्च के लिए चाहिए होता है पैसा हमें अपने प्रोडक्ट के किसके लिए, किस लिए चाहिए होता है रिसर्च के लिए और यहाँ पे यहां पे जब हम अपना प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं उसके लिए पैसा चाहिए होता है ओके राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर करेंगे अब सब वेंचर कैपिटलिस्ट आर वेरी सिलेक्टिव एंड डिसाइडिंग वाइल डूइंग एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ आपको बताना है वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है वो बहुत चूजिंग होता है चूजिंग क्या क्यों होता है क्योंकि जब भी वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता है तो क्या करता है वो बहुत ज्यादा सोच समझकर लगाते हैं अगस्त में है ना तो अमित आपका दोबारा से आएगा दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा आपका जुलाई में जुलाई के एंड में आ जाएगा नहीं नहीं नो मिस्टर एक्स ओके चलो बताओ वेंचर कैपिटल आर वेरी सिलेक्टिव एंड डिसाइडिंग वाइल डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ लॉन्ग ग्रोथ पीरियड हाई रिस्क लिंक वेंचर्स नो असिस्टेंस फॉर इन्वेस्टमेंट मेड या फिर ऑल ऑफ द ऑलव क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर करेंगे सभी

वेंचर कैपिटल नया नया बिजनेस स्टार्ट कोई भी स्टार्ट कर रहा है न्यू बिजनेस तो आपको नहीं पता कि वो चलेगा <coughs> कि वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा तो उसमें क्या होता है हाई रिस्क भी होता है नो असिस्ट असिस्टेंस फॉर इन्वेस्टमेंट मेड कोई असिस्टेंस नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ जी हर्ष आपको पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ आपको कहा मिलेगी मैं बता देती हूँ पीडीएफ मिलेगी आपको लर्न करो ऐप आप पे आपको लर्न करो ऐप डाउनलोड करना है ओके okay? लर्न करो ऐप को डाउनलोड करना वहां जाना स्टोर सेक्शन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पे स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है फ्री वाला कोर्स है मतलब उसका नाम फ्री है बट वो है वन रुपी का सूजल बोल रहे थे पेनिट्रेशन प्राइसिंग वही है यहाँ पे आपको लाइव uh, क्लासेस की जितनी भी वीडियोस है ना पीडीएफ सॉरी सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी ओके जिन स्टूडेंट्स को भी पीडीएफ चाहिए उनको कहाँ जाना है लर्न करो ऐप को डाउनलोड करना है उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाके फ्री वाला कोर्स परचेज करना वन रुपी का कोर्स है जितनी भी लाइव क्लासेस की है वो सब आपको मिल जाएगी ओके okay? चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे इस का? Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करेंगे आप सब एवरीबडी नीड्स बट फ्यू रियली नो होम टू टर्न टू फॉर एडवाइस एंड

एग्जाम है है आपका आपका एग्जाम तो एट्थ को है ना हाँ जी हाँ जी यूपी बिहार कहां दूर है है पास में ही है सब जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर राइट 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 उसको हम क्या बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है वो हमें गाइड करते हैं जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है पहले वो हमारे बिजनेस को देखते हैं कि अच्छा है या नहीं है उसके बाद सोचता है हमें पैसा लगाना या नहीं लगाना हमें गाइड कौन करता है एंजल इन्वेस्टर करता है जब हमें कुछ नहीं पता होता किसी कि, किसी भी बिजनेस के बारे में कि पैसा कैसे लेते हैं क्या करता है क्या नहीं करते तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंजल इन्वेस्टर्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है अपॉइंट तो करना जरूरी होता है मर्चेंट बैंकर्स को जनरल पब्लिक को स्टेक होल्डर्स को या फिर ऑल ऑफ दस किसको अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको बताना इस क्वेश्चन में ओके okay, निमेश हाँ जी वेंचर कैपिटलिस्ट भी करते हैं बट मेन जो एंजल इन्वेस्टर्स का होता होता है न, होता है ना उनका यही जब हमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी फाइनेंस देने से मना कर देता है उस टाइम पे हमारे हेल्प कौन करता है एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं वो हमें पैसा भी प्रोवाइड करवाते हैं प्लस वो हमें असिस्टेंट भी देते हैं गाइडेंस भी देते हैं तो ज्यादा प्रेफर हम किसको करेंगे इसमें एंजल इन्वेस्टर को करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे मर्चेंट बैंकर्स को जनरल पब्लिक को स्टेक होल्डर्स को या फिर ऑल ऑफ दीज जनरल पब्लिक को तो वो क्या करेंगे इशू करेंगे ना शेयर्स को अपॉइंट किसको करेंगे बात हो रही है एक वो मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे किसको करेंगे मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं किसको करेंगे अपॉइंट किसको करेंगे मर्चेंट बैंकर्स को जनरल पब्लिक को तो वो शेयर इशू करेंगे ना ओके राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर का आंसर कहेंगे फॉर होम आर राइट राइट इशूड फॉर राइट इशू किसके लिए इशू किया जाता है जल्दी से बताओ राइट right इशू होता है वो किसके लिए इशू किया जाता है न्यू शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मैनेजर या फिर डायरेक्टर्स जल्दी से बताओ एन पी ओ सुजल अभी देखता है मैं बता दूंगी जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई बात नहीं बिलूंगा कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ हाँ जी पढ़ना पढ़ना दोबारा से पढ़ना ओके okay. इस क्वेश्चन का न्यू शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग करते हैं जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के शेयर होते हैं शेयर होल्डर्स होता है उनको हम क्या करते हैं राइट right इशू करते हैं ताकि उन्हीं से हम वापस से क्या कर सके फाइनेंस ले सके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का इज द मेन फोकस ऑफ वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल का मेन फोकस क्या होता है अ न्यू बिजनेस आइडिया हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई प्रॉफिट अ न्यू बिजनेस आइडिया हैविंग एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वेरी गुड वेरी गुड राइट आधो का गलत है हाँ जी सूझा इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर पॉसिबिलिटी ऑफ हाई प्रॉफिट आप लोग डी कैसे बात कर रहे हो ऑल ऑफ द अब पहली गलत हो जाएगा असडिया विद हाई रिस्क हाई रिस्क वाले क्यों जाएंगे वो हाई रिस्क वाले में क्यों जाएंगे वो हाई रिस्क देख के तो पहले मना कर देंगे तो ऑल ऑफ द अबव कट हो गया और ए कट हो गया न्यू बिजनेस आइडिया करेंगे क्या करेंगे, करेंगे? Right. Idea, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं सी भी हो सकता है बट हम प्रेफर किसको करेंगे बी को क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है प्रॉफिट की बात हो रही है ओके okay? डाउनलोड का लिंक दे दो हर्ष आप प्ले uh, स्टोर पे जाना वहां पर लिख लेना लर्न करो लर्न करो आप लर्न करो लिखना आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे ओके प्ले स्टोर पे आपको आप मिल जाएगा हाँ जी सुजल सिर्फ आपने सही बोला राइट right, कोई भी इन्वेस्ट किसके लिए करता है प्रॉफिट के लिए ही करता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हु आर एंजल एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स कौन होता है करंट एग्जीक्यूटिव होते हैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं इंडिविजुअल विद हाई नेटवर्थ होता है या फिर ऑल ऑफ द अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर यूपी में कहा से नहीं वो हम नहीं बताएंगे चलो जल्दी से बताओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का

करंट एक्टिव भी हो सकते हैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल विद हाई वर्थ भी होगा ओके okay? सिर्फ बी नहीं होगा नो no. ओके okay? इसका करेक्ट आंसर right. क्या है ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट राइट क्या इसका करेक्ट आंसर डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर करेंगे अब सब डैश इज रेज बाई गिविंग सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रो राटा बेसिस प्रो राटा बेसिस के ऊपर जो सिक्योरिटीज बेची जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ <laughs> नहीं नहीं निखिल पढ़ लेना आप लोग अभी तो आपके पास टाइम होगा ना नो no, दो no. चलो बताओ डैश इशू इज बेस्ड बाय गिविंग सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोराटा बेसिस के ऊपर हम कौन सी वाली सिक्योरिटीज मतलब जो सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं प्रोराटा बेसिस पे उसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू पब्लिक इशू या फिर ऑफर टू एम्प्लाइज वेरी गुड वेरी गुड जल्दी जल्दी करना था इसका आंसर राइट इशू बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं राइट इशू बोलते हैं प्रोराटा बेसिस पे करते हैं और किसको करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी बिलुका ये सही है राइट right इशू बोलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स करेंगे

ओके दिव्यांशी वेरी गुड चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डू कैपिटल वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ द टू टू अप सो न्यू बिजनेस अगर हमें क्या करना है नया बिजनेस खोलना है तो भी हमें क्या चाहिए कैपिटल चाहिए टू डाइवर्सिफाई बिजनेस अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है उसके इसमें भी हमें किस चीज की नीड है कैपिटल की एंड टू एक्सपैंड द बिजनेस अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है और एक्सपैंड करना है ग्रो करना है तब भी हमें किस चीज की नीड होगी कैपिटल की नीड होगी ओके मैम गाजियाबाद में रहती हूँ अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम फाइनेंस कैन नॉट बी रेज आपको बताना है वो कौन से वाले सोर्सेज है जहां से आप क्या कर सकते हो फाइनेंस रेज नहीं कर सकते फाइनेंस नहीं रेज कर सकते ठीक है कैपिटल मार्केट एंजल इन्वेस्टर्स वेंचर या फिर माइनस कौन से वाली जगह से आप क्या कर सकते हो फाइनेंस रेज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल जल्दी जल्दी से बताओ मोटिवेशनल आर्मी हाँ जी आप बहुत ज्यादा लेट हो गए राइट 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है माइनर्स क्या है इसका करेक्ट आंसर माइनर्स जो 18 ईयर्स से कम एज वाले बच्चे होते हैं उनसे आप पैसा नहीं ले सकते आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 18 या 18 से कम वाले होंगे आई थिंक 17 18 अराउंड होंगे तो आप लोगों आप लोगों से कोई फाइनेंस नहीं ले सकता आप लोगों से फाइनेंस नहीं रेस किया जा सकता ओके okay? वेरी गुड कैपिटल मार्केट से भी कर सकते हो वेंचर से भी कर सकते हैं और इंडियन इन्वेस्टर के थ्रू भी कर सकते हो राइट 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 चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन हैज कॉस्ट ऑयल टू राइज इन इंडिया विट ऑफ द फॉलोइंग पेस्टल मॉडल इज द अब आपको बताना है रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन की वजह से क्या हो रहा है प्राइस जो है वो इंडिया के बढ़ गए किस चीज के ऑयल प्राइस जो है वो इंडिया में बढ़ गए हैं हमें पता है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है ओके okay. ओके अंकित रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उससे क्या हो गया हमारे कंट्रीज के अंदर क्या बढ़ गया ऑयल की जो प्राइसेस प्राइसेस हैं वो बढ़ गए तो आपको बताना ये कौन से वाला पेस्टल का मॉडल है पेस्टल के अंदर से कौन से वाला स्पेसिफिक मॉडल है मैम एक हेल्प कर दो आप मैम मैं बिहार बोर्ड से हूँ ट्वेल्थ की डोमेन इस बार जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वैसे हम सब ने नहीं पढ़े तो क्या करूँ मतलब डोमेन्स uh, आपके डोमेन्स के हिसाब से ही तो क्वेश्चन आएंगे किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा सिलेबस तो आप लोगों का ही है ओके गुड आफ्टरनून चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करेंगे ये कौन से वाला है कौन से वाला मॉडल है पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल या फिर लीगल जल्दी से आंसर करेंगे ओके okay. जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्वेश्चन देख रहे हैं आपको यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है पेस्टल के अंदर से ऑयल प्राइसेस जो है इंडिया के वो बढ़ गए तो ये पॉलिटिकल इन्वयर के अंदर आएगा इकोनॉमिक के अंदर आएगा 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 इकोलॉजिकल के के अंदर 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 या फिर लीगल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी राइट ये किसके इकोनॉमिक के अंदर आएगा पॉलिटिकल के अंदर नहीं आएगा पॉलिटिकल के अंदर क्या आती है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है वो वॉर की वजह से क्या हो रहा है ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहा है तो ये किसके अंदर आएगा इकोनॉमिक के अंदर आएगा वेरी गुड वेरी गुड अनमोल वेरी गुड अनमोल गुड़िया राइट वेरी गुड वेरी गुड आकाश अकाउंट्स करेंगे आपकी दुबारा से स्टार्ट करेंगे